चाहे कोई भी मनुष्य हो। आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था, आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए, वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदल कर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहाँ पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जुड़ने वाले आप हर एक का मैं प्रेम से स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं और इसीलिए इस विशेष कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है। किसी एक कार्य में आपको प्रभावित करने वाला विषय हो सकता है, वो आपका पाप हो या कोई बीमारी हो या आपकी कमजोरी हो या फिर कोई जरूरत हो, परिवार में कोई संघर्ष हो, नौकरी के स्थान पर कोई समस्या हो, बिजनेस में कोई बड़ी समस्या हो, आपकी सेवकाई में आई हुई कोई समस्या हो, कोई तो एक कार्य आपको प्रभावित कर रहा है, इसलिए आपके मन में बिल्कुल भी शांति या समाधान नहीं है और एक बहुत ही बड़ा बोझ है। क्या ये दूर होगा? क्या इसे बदला जा सकता है? ये समस्या कई सालों से मेरा पीछा कर रही है। क्या ये हमेशा के लिए चली जाएगी? ऐसा मन में एक संघर्ष भरा होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा दूर नहीं की जा सकती है। और आज आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़े बदलाव को आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं और उसके लिए वो अपनी चमत्कारिक शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। इसीलिए तो इस कार्यक्रम का नाम अद्भुत पर्व ऐसा रखा गया है, क्योंकि यीशु अद्भुत परमेश्वर हैं। हो सकता है आप मसीही हो या फिर एक गैर मसीही हो, यीशु धर्म से कई बढ़कर है और लोगों की जरूरत के अनुसार सहायता करने वाले प्रभु हैं। आज प्रभु आपकी भी सहायता करेंगे। आप चमत्कार देखने वाले हो, लेकिन आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। इस समय से लेकर आपको ध्यान देना होगा। आराधना गीत के समय आराधना कीजिए, गवाही को ध्यान देकर सुनना होगा। जब वचन का प्रचार होगा तब उस पर ध्यान दीजिए और प्रार्थना के समय ध्यान लगाकर प्रार्थना करें। आप जब प्रार्थना करोगे तब प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। विश्वास के साथ हम जो प्रार्थना करते हैं उसी की प्रभु प्रतीक्षा करते हैं और प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। निश्चय ही आप अपने जीवन में आज एक चमत्कार को देखने जा रहे हो। हो सकता है आप घर पर बैठकर इस कार्यक्रम से जुड़े हो तो यीशु आपके घर आए हैं। आपके साथ कोई ऐसा है जो बीमार है और अस्पताल से इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो आप जिस अस्पताल में हो वहां पर यीशु आए हैं। हो सकता है यात्रा के दौरान आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो आपकी यात्रा में भी सहायता करेंगे। आप चाहे किसी भी स्थान से इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो यीशु आपसे दूर नहीं पर आपके बहुत ही पास हैं। तो इसलिए आप विश्वास कीजिए कि यीशु मुझसे दूर नहीं, बहुत ही करीब हैं। वो मेरे दुख को जानते हैं और मेरे लिए चमत्कार करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करते हो तब निश्चय ही चमत्कार होंगे। विश्वास के साथ यीशु मेरे लिए चमत्कार करने वाले प्रभु हैं, आज मैं वो चमत्कार पाऊंगा, ऐसे विश्वास के साथ इंतजार करें।
अब सबसे पहले हम आराधना गीत गाने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत करते हैं इस फेस्टिवल में जो परमेश्वर की ओर से रखा गया है। आइए मिलकर के प्रभु यीशु के नाम की महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। वो विजय होने वाला परमेश्वर है, उसने मौत को हराया है और इसीलिए तो वो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। आइए मिलकर के हमारे साथ गाएं, विजय हुआ यीशु मेरा, विजय हुआ। ये मिलकर के हम इस गीत को गाएं, सब मिलके गाएंगे, विजय हुआ यीशु मेरा, विजय हुआ। उसने शैतान को हराया है और वो विजय हुआ है। आइए मिलके गाएं, विजय हुआ यीशु मेरा, विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ यीशु मेरा, विजय हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ यीशु मेरा, विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ यीशु मेरा, विजय हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने शैतान के सिर को कुचला है, मृत्यु पर विजय हो करके उसने हमें विजय जीवन दिया है। आइए जय जयकार करते हुए इस विजय घोषणा को करते हुए हमारे साथ मिल करके गाएं, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया। आइए मिलकर के गाएं, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर विजय जीवन दिया। हल्लेलुया, हल्लेलुया यीशु मेरा विजय हुआ, हल्लेलुया, हल्लेलुया यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ। मिलके गाएंगे, विजय हुआ, विजय हुआ यीशु मेरा, विजय हुआ मैं, विजय हुआ, विजय हुआ यीशु मेरा, विजय हुआ। शत्रु के सारे अधिकारों पर, उसके सारे शक्ति पर अधिकार हमें दिया गया है। यहोवा निशी है, वो हमारा विजय देने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी प्रशंसा करें, सब मिलके गाएंगे, शत्रु की हर एक शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निसी हमारा है विजय देने वाला। ये मिलके गाएंगे, शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निसी हमारा है विजय देने वाला। हल्लेलुया, हल्लेलुया यीशु मेरा विजय हुआ, हल्लेलुया, हल्लेलुया यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ
मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। गाएंगे मिलके, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया, हमारा यीशु विजय हुआ, और ना सिर्फ विजय हुआ है लेकिन हमारा यीशु हमें भी विजय देने वाला है, और इसलिए हम गाएंगे जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आइए मिलकर के हमारे साथ गाएं। वो ना सिर्फ खुद जय पाया, वो हमें और आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हमारा यीशु आने वाला है। हालेलुया, वो जीवित है और वो आने वाला है, और इसलिए आइए हम उसकी आराधना करें, अपने हाथों को उठा करके उसकी प्रशंसा करेंगे। हम गाएंगे जीवित यीशु की आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो। आइए हम उसकी आराधना करें दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से। आइए हम उसकी आराधना करें, जीवित यीशु की आइए हम आराधना करें। हालेलुया, आइए दिल की गहराई से हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। आइए मिलकर के पुछ गाएंगे, जीवित यीशु की आवो आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हाथों को उठा करके गाएंगे, आमेन।
हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हमसे बातें कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। आज आप लोग कुछ गवाही देखने जा रहे हो, पर उससे पहले मैं कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। आज के इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो, फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हो। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाली जानकारी और नंबर पर अगर आप संपर्क करोगे तो इस समय आपकी प्रार्थना विनती लिख लेने के लिए लोग बिल्कुल तैयार हैं। ईमेल एड्रेस पर भी आप संपर्क कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हो। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अगर अपनी प्रार्थना विनती बताओगे तो हमारे प्रार्थना वीर उसे लिख लेंगे, तो उसे रख कर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अब हम गवाही देखने जा रहे हैं। तीन गवाहियां आप लोग देखने जा रहे हो वीडियो में, उसे आप देखोगे और प्रभु यीशु इसी तरह का चमत्कार आपके जीवन में भी करेंगे। आपके विश्वास को बल मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। आज भी ऐसे चमत्कार करते हैं। उस बात को समझकर अपने विश्वास में बल पाने के लिए इन गवाहियों को आपके सामने ला रहे हैं। सबसे पहले तूतुकुड़ी से भाई मुरुगन, प्यारे भाई मुरुगन और उनके परिवार आपके सामने अपनी गवाही लेकर आने वाले हैं। अब देखोगे कि उनकी समस्या और कई परिवारों में होती है, लोगों से प्रभावित होते हैं और स्थिति ऐसी होती है कि बाहर तक नहीं बताते, पर प्रभु यीशु मसीह किसी भी स्थिति में फंसे हुए लोगों को या किसी भी धर्म से जुड़े लोगों की प्रभु यीशु सहायता करते हैं। वो धर्म का भेदभाव करने वाले प्रभु नहीं है। इस गवाही को देखते समय आप ये जान पाओगे। भाई मुरुगन तूतुकुड़ी से आइए, अब देखते हैं उनकी गवाही क्या है। मेरा नाम है मुरुगन, मैं तूतुकुड़ी में रहता हूँ। शादी हो गई है, दो बच्चे हैं। मैं एक होटल का मैनेजर हूँ। मैं एक गैर मसीही परिवार से हूँ, लेकिन हमारे धर्म में बहुत भक्तिपूर्ण था। रुद्राक्ष माला पहनता, माथे पर तिलक होता। जब भी घर से निकलता तब माथे पर तिलक और कुमकुम लगा कर ही जाता। कलाई पर दो तीन धागे पहने होते। रोज हम मंदिर जाते थे, विशेष रूप से मंगलवार और शुक्रवार। महीने का आखिरी शुक्रवार होता तो हम लोग घर पर धूप चढ़ाकर पूजा करते थे। हमारे घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। घर पर कई देवताओं की तस्वीरें थी, रोज उन पर माला चढ़ाकर, अगरबत्ती और कपूर जलाकर पूजा के बाद ही मैं घर से निकलता। इतना भक्तिपूर्ण होकर भी करीब 15 साल मैं शराब के नशे का आदि था। थोड़ा सा शुरू करता, फिर धीरे धीरे आधी बोतल मैं शराब पी लेता था। मेरे पति घर पर शराब पीकर आते तो झगड़ा होता था। घर पर वो खाना लेकर आते थे, लेकिन वो खाना हम लोग खाते नहीं थे। सुबह तक वो खाना वैसे ही पड़ा रहता था। एक दिन बिन पिए रहता तो दूसरे दिन मेरे मन में देखिए ऐसे ही विचार आने लगते थे कि चलो आज पीकर देख लेते हैं। शराब के स्वाद की कमी महसूस होने लगती थी तो मैं पी लेता। मेरे पति के शराब पीने के कारण मैं बहुत ही दुखी रहती थी। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत ही रोती रहती थी। भगवान की तस्वीर देखकर मैं रोया करती थी। ये सोचकर कि इतनी हम लोग पूजा करते हैं फिर भी घर में शांति नहीं है, हमारे जीवन में कितना दुख है, ये सोचकर रोती थी। और तब मेरी बेटी 6ठी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। हफ्ते में कम से कम 3 दिन उसे स्कूल जाने के लिए बहुत ही कष्ट होता था। पहले तो हमने बहुत ही सामान्य रूप से लिया इसे। और तभी मेरी बेटी के कैरेक्टर में हमने कुछ बदलाव होते देखा। बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती थी, बहुत गुस्सा आता था उसे। पहले जो सबसे अच्छा बर्ताव करती थी फिर वो बर्ताव उसमें नहीं दिख रहा था। कुछ पूछने पर जवाब नहीं देती थी। अगर उसे किसी बात पर डांट दो तो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करती। हम बाहर से कितनी भी आवाज क्यों ना दें, उसका बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं करती थी, जवाब नहीं देती। सिर्फ उसके कमरे से यही आवाज आती कि मुझे क्यों आपने जन्म दिया। एक बार मेरी पत्नी उसके बाल बना रही थी, तब गुस्से में आकर उसने मेरी पत्नी को थप्पड़ मार दिया।
इसके चलते हमारे मन में काफी दुख था, वेदना थी। अगर ज्यादा गुस्सा आता तो उसके हाथ कुछ भी लगता तो वो उठाकर फेंक देती थी। कोई आसपास खड़ा है वो बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचती थी। लगातार उसके सिर में वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन भरा रहता था। और एक समय ऐसा आया जब वो वयस्कों के जैसे बातें करने लगी कि मैं अब जीना नहीं चाहती, अब मुझे आप लोग मार दीजिए। इस तरह की बातें सुनकर हमें बहुत ही वेदना होती थी। इसके चलते हमारी बेटी को ले जाकर हमने ज्योतिषियों को भी दिखाया। उन्होंने कहा कि इस समय शनि तेज है, ऐसा ही रहेगा। ये गुस्से में आएगी तो भी आप लोग शांति से इसके साथ बर्ताव कीजिए, शांति से बात कीजिए। इसलिए जब वो गुस्सा करती थी तब हम शांति से ही रहते थे, पर वो शांत नहीं रह पाती। वो बात करते समय बहुत ही जोरों से चिल्लाती थी। तब उन्होंने उसे पहनाने के लिए हमें तावीज दी, तो हमारे परिवार के हम चारों लोगों ने तावीज पहन ली और फ्रेम जैसे कि टोने की गई चीजें दी गई, वो भी हमने घर पर लगाए थे, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, उसका स्वभाव नहीं बदला। और ऐसे दुखद हालात में मेरे पति के एक दोस्त ने हमें नालू मावड़ी के बारे में जानकारी दी। तब मेरी पत्नी और बच्चे, मेरे दोनों ही बच्चों के साथ मैं नालू मावड़ी गया। वहाँ पर हम लोग फरवरी 2024 में गए थे। वहाँ परमेश्वर के तंबू में प्रवेश करते ही मन में बहुत बड़ी शांति छा गई थी और कई दिनों से मन में जो बोझ था वो बोझ अंदर प्रवेश करते ही मन से पूरी तरह से मिट गया था। अंदर जाते ही मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। हमारे मन में तब तक जो भी बोझ था वो ऐसा लगा कि हमसे अब दूर हो चुका है। एक नई खुशी, एक नए जीवन के शुरुआत की खुशी छा गई थी, सकारात्मकता थी, मन बहुत ही फ्री हो गया था। वहाँ के वचन भी हम लोगों ने पढ़े, यहोवा पवित्र 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 है, उसे पढ़कर मेरे मन में बड़ी खुशी छा गई। वहाँ के वचन को पढ़ते ही हमें ऐसा लगा जैसे ये वचन हमारे लिए लिखे गए हैं, जैसे ये हमारे सवालों का जवाब है। प्रार्थना खत्म होने से पहले ही मेरी बेटी ने जाने की जिद की तो हम लोग उठकर नीचे आ गए थे। वहाँ पर प्रभु के एक दास प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उनके प्रार्थना के समय वो जो कुछ भी बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल मेरे मन की बात कर रहे हैं। और मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल पड़े। मुझ पर प्रार्थना करते समय मैं नीचे गिर पड़ी। मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की गई और उस प्रार्थना के दौरान वो रोने लग गई थी और फिर वो नीचे गिर गई। उन्होंने हमारे साथ बहुत पॉजिटिव बात की कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये जरूर बदल जाएगी, ऐसा सब कुछ उन्होंने पॉजिटिव में बात की। और पढ़ने के लिए बाइबल भी दी। उन्होंने कहा हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मन परिवर्तन है, यहाँ आने की वजह से आपको जरूर खुशी मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। परमेश्वर के तंबू में जाकर आने के बाद हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी शांति छा गई और वहाँ से लौटने के एक हफ्ते बाद से ही वो नियमित रूप से फिर से स्कूल जाने लग गई। सब कुछ सामान्य हो गया, उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया। हमारी हर एक बात जो पहले वो गुस्सा करती थी अब बिल्कुल भी गुस्सा कम कर दिया। और तब से उसे देखते ही मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं सोचने लगी कि इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। मेरे आगे तो यही बड़ा सवाल था कि मेरी बेटी इतना बदल गई है, उस तरह का एक बदलाव उसमें दिख रहा था। और उसी महीने फरवरी के उसी महीने 2024 में हम लोग शनिवार के नाके की प्रार्थना में गए, परिवार के साथ गए थे। और उस सभा में भाई मोहन शराबियों के लिए, धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हमसे भी प्रार्थना करने के लिए कहा। मैंने अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे शराब के नशे से मुक्ति चाहिए। अपने हृदय पर हाथ रखकर करीब 20 मिनट से ज्यादा मैंने संघर्ष के साथ प्रभु से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जब मैं वहां से बाहर निकला उसके बाद से ही शराब पीने का विचार पूरी तरह से मेरे मन से निकल गया। अब 7 महीने हो गए हैं मेरे पति शराब नहीं पीते, शराब पीने की याद भी नहीं आती उन्हें, घर में भी शांति से रहते हैं, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते। हमारे पूरे परिवार में अब शांति छाई हुई है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे पूरे परिवार ने हमारा उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। चर्च जाते हैं और पारिवारिक प्रार्थना भी करते हैं। इससे पहले हमारे घर में काफी देवताओं की तस्वीरें थी। उतना पूजा करने के बावजूद हमारे घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। पैसों की तो पहले भी कमी नहीं थी और तो और मेरे पति अच्छा बर्ताव भी किया करते थे, पर उनके शराब पीने के कारण मेरे मन में हमेशा बोझ रहता था। हमारे यीशु मसीह को स्वीकार करते ही वो सारा बोझ पूरी तरह से गायब हो गया। आज मेरे पति को लेकर या हमारे बच्चों को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव करने वाले प्रभु यीशु को कोटि-कोटि धन्यवाद। तो इस समय जिस गवाही को आप लोगों ने देखा, उस परिवार में वो बेटी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी,
स्कूल नहीं जा पाई, जिसके कारण माता पिता को बहुत वेदना हुई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनकी बेटी के छुटकारे के लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे भक्तिपूर्ण रूप से वो सब करके देख लिया। आखिर में त्याग दिए गए स्थिति में इस सोच में पड़े थे कि क्या कोई बदलाव आएगा। फिर उन्होंने यीशु के बारे में सुना और परमेश्वर की उपस्थिति में आए। प्रभु यीशु की उपस्थिति में आने के बाद उन्हें एक चमत्कारिक छुटकारा मिला। उस बेटी को एक छुटकारा मिला। उस परिवार में देखिए एक बहुत बड़ी खुशी छा गई। वो माता पिता कितने खुश हो गए थे अपनी बेटी को लेकर। पहले जिनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कितने पैसे खर्च हो गए थे, सब कुछ करके देख लिया था। जैसे कहावत है, आत्मिक रूप और शारीरिक रूप से जांच करवा लो, तो पैसे खर्च करके सब कुछ करके देख लिया। तो उस स्थिति में प्रभु यीशु ने उनके जीवन में एक चमत्कार किया, मुफ्त में एक बहुत बड़ा छुटकारा दे दिया था उन्हें। वो भाई साहब देखिए, भले ही उन्होंने बड़े ही भक्तिपूर्ण रूप से ईश्वर को खोजा, पर शराब को नहीं छोड़ पाए। 15 साल से शराब की आदत। लेकिन इतने आत्मिक रहकर भी अगर शराब नहीं छोड़ पाते हैं, तो भक्ति के साथ जिस ईश्वर की खोज करते हैं, वो अगर हमारे जीवन में कोई चमत्कार न कर पाए तो परिवर्तन कैसे आएगा। तो देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आए, तब उन्हें शराब की आदत से छुटकारा मिल गया। वहीं यीशु आज आपसे भी बात कर रहे हैं। आपके जीवन में भी इसी तरह का चमत्कार होने जा रहा है। क्या आपके बच्चे प्रभावित हुए हैं? विश्वास के साथ आज आप जब प्रार्थना करोगे, तब छुटकारा मिलेगा। शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं या पाप की आदत से छुटकारा नहीं, ऐसी उलझन में हो क्या? आज प्रभु यीशु आपको छुटकारा देंगे। ठीक है, एक और गवाही को इस समय हम देखने जा रहे हैं। एक भाई हैं जिनका नाम है जना, जो चेन्नई से हैं। अब वो भाई उनके जीवन में हुए चमत्कार को आपके सामने रखेंगे, आप उसे देखिए। जब उनकी बेटी की आंखें प्रभावित हुई थीं, तो उसे लेकर उनमें जो वेदना हुई थी और प्रभु ने कैसे छुटकारा दिया, उस गवाही को आप देखने वाले हो। आइए देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम है जना, चेन्नई सेंट्रल में रहता हूँ और कार्गो का मेरा अपना बिजनेस है। 3 बच्चे हैं, 1 लड़का और 2 लड़कियाँ। मेरी जो छोटी बेटी है वो जब बस 4 साल की थी साल 2019 में, तब से ही उसकी आंखों में एक बहुत बड़ी समस्या थी। और समस्या ऐसी थी कि उसकी एक आंख की पुतली सीधी थी और जो दूसरी आईबॉल थी वो सरक जाती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि इस आंख की आईबॉल सीधी रहती थी और यहाँ की आईबॉल थोड़ी सी राइट साइड में सरक जाती थी। शुरुआत में उसकी आईबॉल दिन में सिर्फ एक बार ही सरकती थी। एक आंख की दृष्टि सीधी रहती थी, दूसरी सरक जाती थी, पर कुछ देर में ही वो अपने आप ही करेक्ट कर लेती थी। लेकिन जो दिन में एक बार ही सरकती थी, वो फिर बाद में दिन में 4-5 बार होने लगी थी, पर कुछ समय बाद 10 बार सरकती थी। उस समय काफी लोगों ने नोट किया और पूछने लगे कि क्या आपकी बेटी को आंखों में कोई समस्या है, उसकी आंखें अपने आप कैसे सरक जाती हैं? और अगर एक बार वैसा हुआ तो करीब करीब 10 से 15 मिनट या उससे ज्यादा देर तक वैसी ही रहती थी। जब उसकी आईबॉल बाजू में सरक जाती तो ऐसा लगता कि वो भेंगेपन की शिकार है। और मेरी बेटी को वैसी हालत में देखना बहुत ही दुखद था, बहुत चिंतित थी मैं। इस समस्या से छुटकारे के लिए जब हम लोग अस्पताल गए, तब डॉक्टरों ने मेरी बेटी के सिर को हिलाया और तब उसी समय वो समस्या वो लोग देख पाए कि जहाँ पर एक आईबॉल सीधी रहती थी और जो दूसरी आईबॉल है वो सरक जाती थी। तब डॉक्टरों ने कहा कि ये नस से जुड़ी एक समस्या है, तो निश्चय ही इसका ऑपरेशन करना होगा। तब मैंने पूछा कि ऑपरेशन मामूली रहेगा या बड़ा रहेगा। तब डॉक्टरों ने जवाब दिया कि बड़ा ऑपरेशन रहेगा। और उन्हीं दिनों में लॉकडाउन शुरू हो गया था और लॉकडाउन के समय में आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम ही हमें बल प्रदान करती थी। भाई मोहन की प्रार्थना हम लोग बिना चूके देखते थे। एक दिन प्रार्थना में उन्होंने कहा कि आपके बच्चों में अगर कोई समस्या है तो उसके लिए माता पिता प्रार्थना करें। अगर उनकी आंखों में कोई समस्या है तो उनकी आंखों पर हाथ रखकर प्रार्थना करें या हृदय पर हाथ रखिए। जहां कहीं कमजोरी है वहां पर माता पिता हाथ रखकर प्रार्थना करें। निश्चय ही प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर आपको बड़ा छुटकारा देंगे। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी के जगह पर हाथ रखिए। कहां पर है बीमारी? हार्ट प्रॉब्लम है तो दिल पर हाथ रखिए। अगर लंग्स में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, जहाँ पर दर्द वेदना या गांठ है वहाँ पर हाथ रखिए। इस समय प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। जैसे ही वो स्पर्श करेंगे आपको एक चमत्कारिक चंगाई मिलेगी। अगर कोई बीमार बच्चा है तो उन बच्चों पर हाथ रख लीजिए।
आपके घर में कोई बीमार है तो उन पर हाथ रख लीजिए। मेरी बेटी की आंखों पर मैंने हाथ रख कर प्रार्थना की और प्रार्थना में मैंने यीशु से मांगा, हे प्रभु यीशु, मेरी बेटी जिस समस्या से गुजर रही है वो देखने में बड़ा ही कष्टदायक है प्रभु, आई बॉल में समस्या है, आप निश्चय ही छुटकारा दीजिए प्रभु, आपके कूड़े खाने से ये चंगी हुई है, ऐसा हम लोग विश्वास के साथ थे और उसी विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तब भाई मोहन ने अपने संदेश में कहा कि आंखों में चंगाई हो जाए। उस प्रेयर मीटिंग के बाद हम लोगों ने रात का खाना खाया और फिर सो गए, और अगले दिन सुबह जब हमने देखा तब प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार किया, क्योंकि उस दिन से मेरी बेटी की जो आईबॉल है वो बिल्कुल भी सरकी नहीं थी, तब से आंखें बिल्कुल सीधी हैं। वो एक बड़ा चमत्कार था। हम लोग देखना चाहते हैं कि और कुछ देर हम इंतजार करके देख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक हफ्ते दो हफ्ते तक जांच करके देखी और तब हमने देखा कि उसकी आईबॉल बिल्कुल ठीक हो चुकी है, वो बिल्कुल सही है। अब 4 साल हो गए, मेरी बेटी की आंखें बिल्कुल स्वस्थ है। तब के बाद मेरी बेटी की आंखों में कोई समस्या नहीं है, परमेश्वर की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन से ही ये ठीक होगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बेटी को बिना ऑपरेशन के ही पूर्ण रूप से चंगाई दे दी। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आपने इस समय ये गवाही देखी, एक छोटी बच्ची को जब उसकी आंखों में प्रभाव पड़ा तब उनके माता पिता कितने प्रभावित होते हैं, और अगर वो लड़की हो तो प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है। कहते हैं कि ऑपरेशन करना होगा, एक डर छा जाता है उन छोटे बच्चों के कार्य को लेकर। तो क्या आज आप उसे लेकर डरे हुए हो? आपके बच्चों में कोई समस्या है? आपकी बेटी या बेटा किसी समस्या में है? क्या ये ठीक होगा ऑपरेशन के लिए कहा गया है? पता नहीं क्या करें, क्या आप ऐसे उलझन में हो? प्रार्थना के समय प्रभु चमत्कार करते हैं, जैसे उनके जीवन में किया। प्राकृतिक रूप से बढ़कर जो होता है उसे चमत्कार कहते हैं। आपके जीवन में भी प्रभु यीशु उसी तरह का एक चमत्कार करने जा रहे हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, आपके जीवन में चमत्कार होगा। एक और गवाही हम देखने जा रहे हैं, प्यारे भाई लाजर जो शिवगंगे से हैं और वहां पर सुरानम गांव के हैं और वो इसी गांव से जुड़े हैं। देखिए ये गवाही सचमुच बहुत ही अद्भुत गवाही है। इस गवाही को सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया था। जिस दिन उनकी शादी हुई तब से लेकर 42 साल अपना मानसिक संतुलन खोने वाली एक पत्नी की देखभाल करना कोई मामूली बात नहीं है। जब आप इस गवाही को सुनोगे आपको भी आश्चर्य होगा। पत्नी भी प्रभावित थी और बेटी को भी 10 साल उसी स्थिति से गुजरना पड़ा। ये एक मनुष्य कैसे सह सकता है? वो अपने मन में कितना बड़ा बोझ झेल रहे थे। जब आप उस गवाही को देखोगे आप समझ जाओगे प्रभु यीशु किस तरह के सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं, उसे भी आप जान सकोगे। आइए गवाही देखते हैं। मेरा नाम है लाजर, शिवगंगा जिले के सुराना गांव से हूँ। मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। मेरा एक छोटा सा व्यापार है। मेरी शादी होकर 42 साल हो गए। शादी के दूसरे दिन से ही मेरी पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वो सोती नहीं थी, खाना नहीं खाती थी, रात को उठकर चिल्लाती थी और रोती रहती थी, चीखती चिल्लाती थी, आसपास वालों को भी सोने नहीं देती थी। रात भर मुझे नींद नहीं आती और बिना सोचे समझे मैं कुछ भी बोलती रहती थी। मैं क्या बोल रही हूँ और किसके साथ बात कर रही हूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। वो खुद पर घासलेट छिड़क लेती थी और आत्महत्या की कोशिश करती। मैं छुरी लेकर अपने हाथों पर घाव कर लेती थी, खून बहने लगता था, मुझे दर्द नहीं होता था, ना ही महसूस होता था कि खून बह रहा है। फिर मेरे पति आकर उसे साफ करते। कई बार घर छोड़कर भाग जाती थी और वो खुद नहीं जानती थी कि वो कहां पर है। बस गांव गांव गली गली गाना गाते हुए घूमती, कई लोगों के घर जाकर परेशान करती और लोग भी इसे अपने घर पर बुलाकर इससे गाना गवाते थे और इसका बहुत ही मजाक उड़ाते थे। कई बार तो गली के कुत्ते भी इसे काट लेते थे। फिर हम जाकर इसे ढूंढकर घर ले आते थे। इसकी ऐसी हरकतों के कारण हम लोगों ने कई बार उसे घर में बांध कर भी रख दिया था। वो अपना खुद का काम भी नहीं संभाल पाती थी। वो अपने आप से कपड़े ठीक पहन नहीं पाती या ना ही अपने बाल बना पाती थी। वो अपना खाना तक ठीक से नहीं खा पाती, मुझे ही उन्हें खाना परोसना पड़ता था। सिर पर तेल मलना, नहलाना और ऐसी सभी चीजें मुझे ही करनी पड़ती थी।
मेरी पत्नी की ऐसी अवस्था के कारण हमारे रिश्तेदार भी ज्यादा हमारा साथ नहीं देते, ना ही घर बुलाते। तब हम दूर किसी शहर में जाकर रहने लगे। मैं गली गली जाकर मूंगफली बेचने का काम करता था और जाते समय मेरी पत्नी को मैं अपने साथ ही ले जाता था, उसे अकेले नहीं छोड़ता। और वैसे समयों में वो मुझे पीटा भी करती थी, बहुत बार मुझे पीटा है और भला बुरा कहा है मुझे। और तब मेरे छोटे छोटे बच्चे भी बिना खाए रोते रहते थे, हम भूखे पेट सो जाते थे। तो भूखे पेट सोते समय मेरे बच्चे यही कहते कि परमेश्वर ने हमें ऐसी माँ क्यों दी है, और प्रभु हम अब सोने जा रहे हैं पर सुबह हम जीवित न रहे, सुबह हमारा सारा परिवार मर जाना चाहिए। ऐसा कहकर मेरे बच्चे चादर ओढ़ कर सो जाते थे। मेरे बच्चों को माँ का दूध कभी नहीं मिला। मैं अपने बच्चों को बोतल में खाली पानी भर कर पिलाता था। जन्म लेकर 10-15 दिन ही हुए होंगे और वैसी एक स्थिति में मेरे बच्चे बहुत ही बीमार पड़ गए थे, यहाँ तक कि वो मौत के कगार पर थे। वैसी हालत में मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने बच्चों को लेकर अस्पताल जाया करता था और बच्चों का इलाज भी करवाता था। कई बार नियमित दवाई से कंट्रोल करके उन्हें कुछ हद तक काबू में रखा जा सकता था। तो किस समय उनका स्वभाव बदलेगा और कब वो सामान्य रहेंगी वो कहा नहीं जा सकता था। और लोगों ने मुझे तंत्र मंत्र और जादू टोने के लिए भी राय दी और मैं वैसा करने के लिए दूसरे गांव ले गया। वहां मैं अपनी पत्नी को ले गया। मैं सुबह से इंतजार कर रहा था, तब वहां के पुजारी ने कहा कि मैं मंत्र के ये कार्य रात के 12 बजे करता हूं। तो रात के समय में वो नदी किनारे ले गए, वहां पर केले का झाड़ लगाया गया, धागे पहनाए, हमें स्नान कराया और फिर तंत्र मंत्र के लिए जरूरी चीजें करवाई। और उसके काम खत्म करने के बाद उसने हमसे काफी पैसे भी ले लिए। पैसे लेने के बाद उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप लोग जाइए। हम लोग घर लौटे पर देखा कि कोई फायदा नहीं हुआ है। मेरी पत्नी की ऐसी हालत के बाद मेरी बेटी जो कॉलेज पढ़ रही थी उसका भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया और करीब 10 साल वो स्थिति में रही। मैं अपने ही किसी काम में डूबी रहती थी, कुछ लिखती थी, कुछ पढ़ती थी। मेरे पिता जो कहते मैं उसे बिल्कुल सुनती नहीं थी। वो सोती नहीं थी, खाना नहीं खाती, बेकार की चीजों में वक्त बर्बाद करती थी, पेपर पर कुछ अनाप शनाप लिखते रहती थी, तस्वीरें बनाती थी, कुछ न कुछ करती थी, अलमारी के सामान बाहर निकालती थी, बाहर के सामान अलमारी में रखती थी, ऐसा ही करती थी वो। घर की सभी चीजों के साथ ऐसा ही करती थी वो। हमारी बात नहीं मानती, रोती थी, मरने की बात करती। सबसे ज्यादा तो मैं अपनी पत्नी को ही इसके लिए अस्पताल ले जाता था। करीब 6 अस्पतालों में मैंने इलाज करवाया। वहां पर पहले पहल इलाज तो होता था, दवाइयाँ दी जाती थी, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, कुछ दिन तक तो ठीक रहता था पर फिर से वही हालत हो जाती। और मेरी बेटी का भी मैंने उसी तरह कई अस्पतालों में ले जाकर इलाज कराया पर बेटी के साथ भी वैसा ही रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरी बेटी के इलाज में भी करीब 6 इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए पर फिर भी मेरी बेटी को चंगाई नहीं मिली। इन 42 सालों में मैं कभी भी चैन की नींद नहीं सोया, कभी मैं अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाया, मन में शांति और समाधान के साथ मैं किसी भी तीज त्योहार या फिर फंक्शन में नहीं जा पाया। ऐसी स्थिति में हम कहीं नहीं जाते थे। और उन्हीं दिनों में शिवगंगा जिले में मानसिक रोगियों के लिए एक शिविर में मैंने भाग लिया था, वहां गया था। मेरी बेटी और पत्नी को वहां पर मैंने भर्ती कराया। तब वहां पर एक नर्स थी, तब उन्होंने आकर मेरे हाथ में एक सेलफोन दिखाया और कहा कि आप इस कार्यक्रम को देखिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस प्रार्थना को देखिए। तब वो सेल मेरे हाथों में देकर वो गई, तब मैं वो प्रार्थना देखने लग गया और उसमें भाई मोहन प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना के बीच में कई गवाहियां दिखाई जा रही थी। तब मैंने यही सोचा कि प्रभु परमेश्वर ऐसे कई सारे बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, तो मैं भी कई सालों से इस दुख से पीड़ित हूँ, मेरी पत्नी और बेटी को भी प्रभु चंगाई देंगे। ऐसी आशा के साथ मैंने नालूमावड़ी जाने का निर्णय लिया। मैं वहाँ का पता नहीं जानता था, मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। तब मैंने कई लोगों से पूछा कि नालूमावड़ी कहाँ है। मैं लोगों से पूछताछ करके मेरी पत्नी और मेरी बेटी को वहां पर ले गया और तब साल 2022 में 6 महीने में नाके की प्रार्थना में मैंने भाग लिया। अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ मैं वहां पर गया था। एक बहुत बड़ी भीड़ थी वहां पर, मैं वहां करीब नहीं जा पाया। मेरी पत्नी और बेटी को मैं संभाल नहीं पा रहा था तो मैं उनको लेकर एक जगह पर बैठ गया। अब भाई मोहन वहां पर आंशिक संतुलन बिगड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब मैंने
आंसू बहाकर प्रभु से कहा, प्रभु मेरी पत्नी का 42 साल से मानसिक संतुलन बिगड़ा है और मेरी बेटी भी 10 सालों से इसी रोग से पीड़ित है और आप ही इन दोनों को चंगाई दीजिए और उन्हें पूर्ण छुटकारा दीजिए, हमें स्पर्श कीजिए पिता, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। ऐसी मैंने आंसू बहाकर प्रार्थना की। वहां की प्रार्थना के बाद मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आया। घर लौटने के बाद हर हफ्ते टीवी पर आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम हम लोग देखते थे। तब हर हफ्ते आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में मैं उन दोनों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता कि प्रभु इन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा दीजिए। मैं आंसू बहाकर प्रार्थना करता था। हर हफ्ते आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखकर प्रार्थना करते करते मेरी पत्नी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने लग गया था। धीरे धीरे वो अच्छे से सोने लगी, खाने लगी, ठीक से बोलने लगी, घर के सारे काम करने लगी, कपड़े भी ठीक से पहनने लगी, घर का सारा काम संभालने लगी और उसी समान मेरी बेटी का भी मन बदलने लगा था और ठीक से अपने काम करने लग गई थी। वो दोनों भी प्रभु से प्रार्थना करने लगे थे, प्रभु से प्रेम करने लगे थे। आज मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है, वो अब घर छोड़कर किसी और के घर नहीं जाती, ठीक ठाक है, अच्छी प्रार्थना करती है और अब मैं अच्छे से सो पाती हूँ, अच्छा खा पाती हूँ, अपना काम खुद ही करती हूँ, पानी भर कर लाती हूँ, सारा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ और मेरे पति के काम की तैयारियाँ करती हूँ, हम खान पान की चीजें बनाते हैं, उसकी पैकिंग का भी काम करती हूँ। मेरी बेटी भी अच्छी बातें करती है, ठीक से खाना खाती है और सोती है और वो अपना सारा काम संभालती है। आज मुझे कोई भी समस्या नहीं है और मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे सारे काम मैं ही करती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, अच्छा सोती हूँ। 42 साल के पारिवारिक जीवन में पिछले 1.5 साल से ही मैं बिल्कुल खुश रह पाया हूँ, अच्छे से खाना खाता हूँ और अच्छे से सोता हूँ। मेरे परिवार में ऐसा एक बड़ा चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तो आप लोगों ने ये गवाही सुनी, कितना आश्चर्यजनक था वो। मुझे भी आश्चर्य हुआ, वो भाई देखिए जो वो पति थे, वो एक बहुत ही नम्र और साधारण बिजनेस करने वाले व्यक्ति थे, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया। आज पति या पत्नी थोड़े बीमार पड़ जाते हैं तो डायवर्स तक पहुंच जाते हैं कि नहीं चाहिए, पर मानसिक संतुलन खोने की उस स्थिति में भी उसके पति ने उनकी हर तरह से देखभाल की और उनकी चंगाई के लिए भी कितने प्रयत्न किए उन्होंने। अकेले छोड़ना ठीक नहीं है ये सोचकर अपने बिजनेस करने की जगह पर भी वो उन्हें ले जाते थे। और देखिए, उनकी बेटी को भी उसी स्थिति से गुजरना पड़ा था। जरा सोचकर देखिए कितना प्रभाव पड़ा था उन पर। लेकिन यीशु ने उनके दुख को देखा, यीशु ने उनकी वेदना को देखा, इसलिए तो परमेश्वर ने उनके सामने अपने आप को प्रकट करने के लिए प्रार्थना के बारे में उन्हें जानकारी देकर प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में प्रवेश किया। पर आज उन दोनों ने पूरी तरह चंगाई पाकर, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उन्हें कितनी बड़ी खुशी मिल गई है। उनके जीवन में 42 साल के संघर्ष से उन्हें छुटकारा देकर उनके दुख को आनंद में बदल दिया प्रभु ने। वही है यीशु मसीह। कितने सालों का दुख क्यों ना हो, यीशु उसे बदल सकते हैं। जब किसी के जीवन में कई सालों तक दुष्प्रभाव बना रहता है तो उनका भरोसा टूट जाता है, अभी प्रार्थना करके क्या होने वाला है, हमारा तो जीवन ही समाप्त हो गया है, 42 साल से ऐसा चल रहा है, अब कहां चंगा होगा। उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। क्या आप ऐसे प्रभावित हुए हों? मैं इतने साल से शराब पी रहा हूं, इतने साल से ये बीमारी है, इतने साल से समस्या है, सब खत्म हो गया। आप सोच सकते हो कि सब खत्म हो गया, पर यीशु नया आरंभ करने वाले हैं, वो कर सकते हैं। यही प्रभु यीशु द्वारा आश्चर्य कर्म है। आज आपके जीवन में प्रभु यीशु ये चमत्कार करने वाले हैं और इसीलिए मैं आज प्रार्थना करने वाला हूं। तो प्रार्थना से पहले पवित्र वचन पर ध्यान करते हुए हम फिर प्रार्थना करेंगे। हम लगातार पवित्र वचन में से एक भाग पर ध्यान करते हुए लगातार संदेश सुन रहे हैं, तो फिर से उस पर ध्यान करते हुए आपके लिए, आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का संदेश पर ध्यान करने से पहले हम एक गीत गाने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर गाइए। शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, ऐसा एक गीत है। प्रभु यीशु मसीह के लहू को स्मरण कराने वाला ये गीत है, आप भी मिलकर गाइए, अपने मुंह खोलकर आप गाइए। जब आप स्तुति के साथ गीत गाओगे, आपके घर पर प्रभु यीशु की उपस्थिति होगी और तब हम जब विश्वास के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे,
तब चमत्कार देख सकते हो। शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। हमारे लिए लहू बहाकर यीशु मसीह ने जान दी, उनके लहू का सामर्थ्य, उस पर विश्वास करते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस समय पवित्र वचन में से कुछ कार्यों को आपके सामने मैं लेकर आने जा रहा हूं। उसके बाद हमारे चमत्कारों के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। अगर आपको चमत्कार की जरूरत है तो कौन से कार्य में आपको छुटकारा चाहिए, किस चीज में आपको चमत्कार चाहिए, आज प्रभु यीशु से किस विषय में आपको अपना चमत्कार पाना है, उसके बारे में आप अपने मन में फैसला कर लीजिए। कुछ लोगों के लिए पाप ही उनकी समस्या होती है, उस पाप से छुटकारा पाके उन्हें शांति चाहिए होती है। यह आशीष और ये चमत्कार मेरे जीवन में आज के दिन होना चाहिए, ऐसा फैसला करना होगा। कुछ लोगों में बीमारी है, इस बीमारी से आज मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा पा लेना है। यीशु मुझे स्पर्श करके चंगाई दें। इस तरह आप अपने दिल में निर्णय ले लीजिए, या फिर मेरे बच्चे को चंगाई चाहिए, मेरे पति को चंगाई चाहिए, मेरे पिता माता को चंगाई चाहिए, आपके परिवार में कोई है और कोई जो अस्पताल में हो, उन्हें याद करते हुए उनके कार्यों में चमत्कार के लिए आप प्रार्थना करें। उस विषय में भी निर्णय लेकर आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। कई लोगों को छुटकारे की जरूरत होती है। परिवार में ऐसा कोई होगा जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, अशुद्ध आत्मा द्वारा प्रभावित, डर के आत्मा से प्रभावित हुए हो सकते हैं, या आपके परिवार में शैतान के संघर्ष में जकड़े हुए कोई हो सकते हैं। उनके छुटकारे के लिए, मेरे परिवार के लोगों के छुटकारे के लिए, या फिर मुझे इस संघर्ष से छुटकारा चाहिए, उसके बारे में अपने दिल में फैसला कर लीजिए। कुछ लोगों के लिए गर्भ का आशीष चाहिए, संतान प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और कोई कह रही हो कि आज प्रभु मेरे गर्भ को आशीष दें, हमें संतान का आशीष चाहिए, पति पत्नी का दोनों मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें, या फिर जो सास है वो अपनी बहू के लिए विनती करें, माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, तो ध्यान करते हुए अपने मन में निर्णय के साथ प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति में उस चमत्कार के लिए विनती करें। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कर्ज से मुक्ति चाहिए, कुछ लोगों को अपने परिवार में शांति चाहिए, तो कुछ तो एक जरूरत किसी कार्य में एक चमत्कार चाहिए, उसके बारे में अपने मन में निर्णय लीजिए। उस पर फोकस करते हुए ही हमें प्रार्थना करनी है, उसमें आप जरूर चमत्कार पाओगे। लेकिन इससे पहले मैं पवित्र शास्त्र में से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। हम लगातार पवित्र वचन से एक भाग पर ध्यान कर रहे हैं, और वो क्या विषय है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं, क्योंकि हम जिससे विनती करते हैं उनका स्वभाव कैसा है, उसे जानकर प्रार्थना करने के बाद ही चमत्कार प्राप्त करेंगे। जब हम जान लेते हैं कि वो कैसे हैं, तो तुरंत हमारे विश्वास को सामर्थ्य मिलेगा और आसानी से उनसे हम ये चमत्कार पा सकते हैं। पवित्र वचन में से लूका रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 19। जब यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। उन्हें देखना था, यीशु के बारे में बहुत बहुत कुछ सुना है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरे लिए चमत्कार हुआ, उसके लिए चमत्कार हुआ, मेरे घर पर चमत्कार हुआ, यीशु ने वो चमत्कार किया, ऐसा कह रहे हैं। तो उसके मन में एक इच्छा थी कि उस यीशु को मैं भी रूबरू देख पाऊं। तो जब उसे पता लगा कि यीशु हमारे नगर में से गुजरेंगे, तब उसने यीशु को देखने का प्रयत्न किया। वो एक नाटा व्यक्ति था,
बड़ी भीड़ होने के कारण वो यीशु को नहीं देख पा रहा था। वो यीशु को देखने के लिए जब पेड़ पर चढ़ गया तो पेड़ पर से सिर्फ सिर ही दिखा जा सकता था, चेहरा नहीं देख सकते थे। पर यीशु उनके आगे अपने आप को प्रकट करते हैं, वो ऊपर दृष्टि करके कहते हैं, हे जक्कई झट उतरा, तू मुझे देखना चाहता था ना, तो मैं आज तेरे घर आऊंगा और मैं आज तुम्हारे घर पर ही ठहरने वाला हूं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े खुशी खुशी वो यीशु को अपने साथ अपने घर ले गया। प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट करने वाले प्रभु हैं, जो यीशु को देखना चाहते हैं, जो यीशु को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने वो खुद को प्रकट करने वाले एक परमेश्वर हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, चमत्कार करने वाले परमेश्वर के नाम में प्रकट करते हैं। हर धर्म से बढ़कर एक परमेश्वर के रूप में किसी भी धर्म से जुड़े लोगों ने यीशु के नाम में विश्वास के साथ प्रार्थना की तो चमत्कार पाएंगे, ये एक सत्य है। वो बड़े ही दयापूर्ण और प्रेमी परमेश्वर हैं, उसे वो प्रकट करते हैं। पाप को क्षमा करने वाले के रूप में वो प्रकट करते हैं। ऐसी गवाहियों के द्वारा, संदेश के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करते हैं, आपके लिए प्रकट करते हैं। जब उन्हें पहचान कर विश्वास के साथ आप प्रार्थना करोगे तब वो चमत्कार पा सकते हो। तो देखिए यीशु कैसे हैं, उनके बारे में लगातार हर महीने हम कुछ न कुछ सीख रहे हैं। वो सामर्थ्यशाली हैं, चमत्कार करने वाले हैं, शांति के राजकुमार, अनंत काल के पिता हैं, वो बड़े ही दयापूर्ण हैं। इस तरह हम उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जानते आ रहे हैं। तो आज हम एक विषय पर ध्यान करने वाले हैं। जब हम यीशु के चमत्कारों पर अपनी नजर फेरते हैं तो वो रूपांतरण करने वाले एक परमेश्वर हैं, एक इंसान के जीवन का रूपांतरण करने वाले प्रभु हैं। वो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले एक परमेश्वर हैं, नवीनीकरण लेकर आते हैं वो प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन का रूपांतरण कर देते हैं, मतलब जो दुख में हैं उनका जीवन वो खुशी में बदल देते हैं, जिसका जीवन वेदना से भरा है उसे शांति भरे एक जीवन में बदलने वाले हैं। वो रूपांतरण करने वाले परमेश्वर हैं। मतलब प्रभु यीशु ने जो पहला चमत्कार किया वो यूहन्ना रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के लिए हजारों चमत्कार किए, पर सबसे पहला चमत्कार जो उन्होंने किया वो एक शादी में था। इसराइल में जब किसी की शादी होती है वहां पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो है दाखरस का वितरण। नशा करने के लिए नहीं, पर दाखरस वहां पर दिया जाता है, वो खत्म हो गया था, वो कम पड़ गया था। विवाह के परिवार वाले बड़े परेशान हुए। यीशु ने अपना सबसे पहला चमत्कार वहीं पर किया, पानी को उन्होंने दाखरस में बदल दिया, मतलब जो पानी है उसका दाखरस में रूपांतरण कर देते हैं। जिस पानी का कोई रंग रूप या स्वाद नहीं होता उसे एक सुंदर और स्वाद भरे दाखरस में रूपांतरण कर देते हैं। यीशु के आने का लक्ष्य वही तो था, इस चमत्कार में उसे वो प्रकट करते हैं। बेस्वाद पानी, बिना शांति के, बिना समाधान के, एक बेस्वाद जीवन की तरह बस जी रहे हैं। ऐसे उदासी के साथ जीने वाले लोगों के जीवन में वो स्वाद भर देते हैं, एक खुशी भरे जीवन में, आनंद और शांति भरे एक जीवन में उसे बदल देते हैं। इसीलिए तो वो इस संसार में आए, वो जिस उद्देश्य के साथ आए उसे वो उस चमत्कार के द्वारा प्रकट करते हैं। देखिए हाल ही में एक परिवार के बारे में मुझे पता चला, और उस परिवार में एक माँ, उनकी बेटी और पिता। पिता हमेशा शराब पीते थे, शराब के आदि थे, काम से लौटते समय हमेशा शराब पीकर ही आते। शराब पीकर घर लौटने के बाद वो क्या करते हैं वो समझ नहीं पाते थे, पत्नी को पीटते थे, उन्हें घायल करते थे। बस उनकी एक बेटी थी और वो बेटी स्कूल में पढ़ती थी, वो अपनी बेटी से कभी बात नहीं करते थे। पिता शराब के नशे में हो तो कैसे बात करेंगे, घर लौटते समय भी नशे में होते थे, रास्ते पर इधर उधर पड़े रहते थे, उन्हें उठाकर ले आना पड़ता था, बस उनके जीवन में यही चल रहा रहा। अब उस पत्नी को बड़ा दुख हुआ, वो सोचने लगी कि इस व्यक्ति के साथ कैसे जिए, इस दुख में लगातार जीने से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अब स्कूल पढ़ने वाली ये बेटी ने कहा कि मेरे साथ पढ़ने वाली मेरे सहेलियों के पिता उन्हें स्कूल तक छोड़ने आते हैं, मेरे पिताजी तो कभी मेरे साथ स्कूल नहीं आए, ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि मैंने कुछ मांगा और उन्होंने लेकर दिया हो, कभी प्यार से मुझसे बातें तक नहीं की।
तो मेरी सहेलियों के पिताजी उनका कितना ख्याल रखते हैं, पर मेरे पिता तो नशे में रहते हैं। ऐसे पिताजी के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। एक युवा बेटी के मन में देखिए खुदकुशी के विचार आने लगे, उसके मन में मरने की इच्छा जागने लगी कि ये भी कोई जीवन है, वो भी सिर्फ एक व्यक्ति के शराब के कारण। शराब के कारण उनका भी जीवन प्रभावित हुआ था, शांति नहीं थी, जितना भी कमाते थे उसे शराब में उड़ा देते थे। और इस स्थिति में प्रभु यीशु उन्हें मिलते हैं। एक दिन टीवी पर आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम वो देख रहे थे और प्रार्थना के समय उस भाई को प्रभु ने स्पर्श किया। तब उन्हें अपने पाप का एहसास हुआ और आंसू के साथ उन्होंने कहा, यीशु मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। अपने आंसू बहाकर उन्होंने अर्पण किया और उनका जीवन पूरी तरह से नया बन गया। उसके बाद उन्होंने कभी शराब नहीं पी, पर अपने पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं किए। और आज जब वो घर लौटते हैं तो अपनी पत्नी बेटी के साथ अच्छा समय बिताते हैं, जो कुछ उनकी जरूरत है उसे पूरा करते हैं, बेटी को घुमा कर लाते हैं। उनकी पत्नी काफी खुश है, उनकी बेटी बहुत खुश है, वो पूरा परिवार देखो कितनी खुशी से भर गया। उस पूरे परिवार का रूपांतरण हो गया। जो परिवार दुख में और आंसू में डूबा हुआ था उसे अब खुशी भरे और आनंद से भरे एक खुशी में रूपांतरण कर दिया गया। शराब के नशे में डूबे हुए एक इंसान का जीवन पूरी तरह से बदल दिया गया और वही है यीशु। तो यीशु किस तरह के हैं? वो रूपांतरण करने वाले परमेश्वर हैं। इंसान के जीवन का रूपांतरण करके दुख को खुशी में बदलने वाले एक परमेश्वर हैं और वही चमत्कार वो आज आपके जीवन में भी करने जा रहे हैं। जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो कई लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने इस रूपांतरण का चमत्कार किया है। वैसे प्रभावित हुए लोग प्रभु यीशु को ढूंढकर आते थे उनके लिए चमत्कार करके रूपांतरण कर देने वाली एक बड़ी खुशी को प्रभु उन्हें देते थे। उसी से जुड़ी तीन बातों को मैं आपको याद दिलाकर फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले पवित्र लूका रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 7 में वचन क्रमांक 37 और 38 को पढ़ते हैं। तो वहां एक स्त्री, बुरे प्रभाव में पड़ी एक स्त्री यीशु को ढूंढ कर आती है। यीशु अपने शिष्यों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जब एक न्योते पर खाने पर बैठे थे, तब उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। एक स्त्री को ये खबर मिलती है कि इस घर में प्रभु यीशु आए हुए हैं, तो वो सुनते ही वो यीशु के पांव पर गिरकर रोने लगी। उसके आंसू प्रभु के पांव पर गिरते हैं, तब वो संगमरमर के पात्र पर इत्र लेकर आती है। इस तरह गुरुओं के पांव धोकर सम्मान किया जाता था, तो वो भी कुछ ऐसी तरह प्रभु के पांव पर आकर अपने आप को समर्पण करती हैं। प्रभु यीशु उसके हृदय को देखते हैं कि वो क्यों रो रही है, क्यों उसकी आंखों में आंसू हैं, ऐसा क्या दुष्प्रभाव हुआ है। उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन यीशु ने उसे जान लिया। अब देखिए बात ये थी कि वचन में उसे एक पापिनी स्त्री ऐसा कहा गया है। उसने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, अपने जीवन को उसने पाप से बर्बाद कर लिया था, इसलिए उसके मन में शांति नहीं थी, समाधान नहीं था। उसने जो कुछ पाप किया था और जिस पाप में वो पड़ी थी वो उस नगर वालों को अच्छी तरह पता था, इसलिए उस नगर के लोगों से पापिनी स्त्री कहते हुए उसे बहुत दुख देते थे, उसे वेदना पहुंचाते थे। त्याग दी गई एक स्थिति, तो उसने जैसा सोचा था कि ये पाप मुझे खुशी और शांति प्रदान करेगी, उसी पाप द्वारा आज वो बहुत प्रभावित हुई थी। शांति नहीं थी, समाधान नहीं था, मन में अपराध बोध था कि तू एक पापी है। सिर्फ तुम ही उस पर नहीं पड़ी हो लेकिन औरों को भी उकसा रही हो, तुम्हारी वजह से बहुत परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो वैसा एक अपराध बोध उसके मन को कचोटा जा रहा था। अब उसके मन में बिना शांति की एक स्थिति थी। वो सोच रही थी कि कौन मेरे पाप को क्षमा कर पाएगा, वो कौन है जो इस पाप से मुझे छुटकारा दे सकता है, कौन मेरे जीवन को नया बना सकता है।
सभी मुझ पर दोष लगा रहे हैं, मुझे पापी कहते हुए उंगली उठा रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, पर मेरे प्रति प्रेम दिखाने वाला कोई नहीं है, इसमें से छुटकारा देने वाला मेरा कोई नहीं है, ऐसा वो कह रही है। और उसी दुख के बीच में उसे पता लगता है कि प्रभु यीशु आए हुए हैं, वो पापी लोगों को त्यागते नहीं है, पापियों के मित्र कहकर बुलाया जाता है उन्हें, पापियों से प्रेम से मिलकर उनके जीवन को बदल कर नया बना देते हैं। इस खबर को उसने जान लिया था और इसीलिए उसमें एक विश्वास जगा कि प्रभु यीशु मुझे एक नया जीवन जरूर प्रदान कर सकते हैं। और वो आकर प्रभु के चरणों पर पड़ती है। जैसे जैसे वो आंसू बहा रही थी, वो अपने पाप को प्रभु के आगे प्रकट कर रही थी। मैं पापी हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसे वो पापों को अपने आंसुओं के द्वारा प्रकट कर रही थी। जो अपने अपराध छुपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, पर जो उसे मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तब प्रभु यीशु ने उस पर दया की। वो एक टूटे मन के साथ अपना मन फिरा रही है। उसे जानकर प्रभु यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, कुशल से चली जा। ऐसे प्रभु ने आशीष देकर उसे वहां से भेजा। ऐसे हम इस भाग में पढ़ सकते हैं, उसने जिस चीज की अपेक्षा की थी वो आशीष प्रभु ने उसे प्रदान की। उसके पापों की क्षमा होनी चाहिए, उसे शांति चाहिए, यही उसकी अपेक्षा थी। प्रभु ने वो आशीष उसे दिया, हे नारी, तेरे पाप क्षमा हुए, कुशल से चली जा। तो आज कोई तो एक पाप आपको प्रभावित कर रहा है। हो सकता है वो आपकी शराब की आदत हो, नशे का सेवन हो, या फिर जुए की लत हो सकती है, या फिर आपका गलत फ्रेंडशिप हो सकता है, रिश्वत हो सकता है, घोटाला या फिर मिलावट हो सकती है, अपने कारोबार द्वारा लोगों को फंसाना। कोई तो कार्य है जो आप जानते हो कि ये गलत है पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप जानते हो कि ये पाप है पर उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बुरी तरह फंसा हूं, उसे छोड़ भी नहीं पा रहा हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि ये गलत है पर मन कचोट रहा है, शांति नहीं है। क्या उस तरह प्रभावित होकर बैठे हो आप? प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, उनकी आंखें आपको ही देख रही हैं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करने वाला और पाप से छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं, ऐसा वो आपको ही देखकर कह रहे हैं। देखिए, जब वो स्त्री यीशु के पास आकर रोने लगी तब प्रभु ने उसे क्षमा करके अपना लिया, उसका रूपांतरण किया। यीशु छुड़ाता है सेवकाय की शुरुआत के दिनों में, सन 78 की बात है, प्रार्थना दल की शुरुआत करके मिलकर प्रार्थना करते। वहां पर एक बहन जी आती थी, हमारे प्रार्थना करने के स्थान के करीब ही था उनका घर। बहुत ही दुख में रहती थी, बहुत आंसू बहाती, हमेशा कहती थी कि मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए। और देखिए, उनके जो पति थे उनका नाम तो योवान था, बाइबल के योहन्ना के नाम पर था, पर हर समय शराब के नशे में ही रहते थे वो। जब नशे में रहते थे उनके हाथ में हथियार रहता था, मैंने भी देखा था, जब वो रास्ते पर चल कर आते थे तो हाथ में हथियार के साथ ही आते थे, ऐसे ही हिलडुल कर आते थे वो, बिल्कुल होश में नहीं रहते थे ना। सब लोग डर के मारे यहां वहां से निकलकर अपने घर जाकर दरवाजा बंद कर लेते। और जब वो घर पहुंचते तो देखिए, उस भाई साहब की माँ वो डर कर पड़ोसी के घर जाकर बैठती थी, पत्नी घर पर नहीं रहती थी क्योंकि उनकी भी पिटाई होती थी, इसलिए वो भी जाकर पड़ोसी के घर पर छुप जाती थी। घर पर बच्चे बड़े डरे हुए होते थे। तो इस तरह से शराब पीकर अपना होश खोकर हाथ में हथियार लेकर फिर तो देखिए कैसे शांति आएगी। तो उसी तरह शराब पीकर पी कर वो पूरा गांव जानता था कि वो व्यक्ति शराब पीकर घूमता है। रात को सोते समय एक बोतल शराब वो अपने सिरहाने पर रखकर ही सोते थे, क्योंकि शराब पी पी कर पूरा नस प्रभावित हो चुका था और सुबह उठते ही हाथ और पैर ऐसे कपकपाने लगते थे, एक छोटा ग्लास तक वो नहीं उठा पाते थे। बहुत ही कष्ट के साथ जब वो बोतल को अपने मुंह से लगाते उसे पीकर ही फिर नस काम करने लगते और फिर धीरे धीरे वो काम कर पाते। तो ऐसे शरीर भी प्रभावित हो चुका था, सारी नसें प्रभावित हो चुकी थी। तो इस तरह से प्रभावित हो चुके थे वो, क्या उनमें शांति रहेगी? पूरा परिवार उनके कारण प्रभावित हो चुका था, क्या उनके अंदर शांति रहेगी? नहीं, उनमें भी शांति या समाधान नहीं था। तो ऐसी स्थिति थी। तो उनकी पत्नी आकर रोते हुए कहती थी कि प्रार्थना कीजिए, उनके लिए प्रार्थना करना उतना ही काफी नहीं, उनसे मिलने के लिए हम घर भी जाते थे। हम आगे के दरवाजे से जाते तो वो पीछे के दरवाजे से निकल जाते थे, कभी भी वो हमसे मिलते नहीं थे।
हम उनके घर पर प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस भाई का उद्धार कीजिए, शराब के नशे को छुड़वाइए। ऐसे एक दिन हम लोग 4-5 लोग प्रार्थना करने के लिए अचानक से उनके घर के अंदर चले गए, तो वो भाग नहीं पाए, वो हमसे मिले, लेकिन देखिए वो हमारे पास नहीं आए, बस दूर से ही वो इस तरह से खड़े हुए थे। स्थिति को देखते हुए मैंने कहा कि आइए प्रार्थना करें, और तुरंत ही उन्होंने वहीं पर घुटने टेक लिए, उनकी पत्नी बच्चों ने भी घुटने टेक लिए थे, हम 4-5 लोग जो प्रार्थना के लिए गए थे हम लोगों ने भी घुटने टेके। हम कहीं कुछ उनसे प्रश्न ना करें इसलिए उन्होंने अपना सिर नीचे झुका कर रखा था। तो इनसे क्या बात करें, क्या हम उनसे ये कह पाते हैं कि आप शराब पीकर बड़ा पाप कर रहे हो? परमेश्वर ने कहा तुम कुछ मत कहना, बस उनके आगे एक वचन पढ़ लो, उतना काफी होगा। मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने वचन में से एक वचन निकाला, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते हैं, पर जो उसे मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13 में है ये। तो मैंने वो वचन निकाला, बस वो वहां दूरी पर थे और हम कुछ दूरी पर घुटने टेके हुए थे। जोरों से मैंने उस पवित्र वचन को पढ़ना शुरू किया, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ऐसा कहते हुए मैंने उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू की, बस उतना ही, और उसी जगह पर वो जोर जोर से रोने लग गए, फूट फूट कर रोने लगे। वो रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, आंसू बहाने लगे थे। हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे छुटकारा दीजिए, ऐसे वो रोने लग गए। देखिए, बस एक ही वचन ने वो काम कर दिया, प्रभु यीशु ने उस वचन के द्वारा उन्हें स्पर्श किया। उस दिन आंसू बहाकर उन्होंने अर्पण किया और उनका पूर्ण जीवन बदल गया। उसके बाद वो कभी भी शराब की दुकान पर नहीं गए, फिर कभी उसके बाद उन्होंने शराब को स्पर्श भी नहीं किया। और जब उनका जीवन इस तरह बदल गया, सारा गांव आश्चर्यचकित हो गया कि ये व्यक्ति कैसे बदल गया। फिर वो प्रार्थना दल में शामिल हुए, हमारे साथ सेवकाई को आते, फिर पूर्ण समय की सेवकाई से जुड़े। हमारी सेवकाई में वो एक सेवक थे, आज वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। उनके बेटे और बच्चे उनकी अभी भी सेवकाई कर रहे हैं, आज भी वो प्रभु की सेवा में हैं। पर उस दिन के बाद देखिए, वो अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से प्रेम करने लगे, तो स्थिति बदल गई, पूर्ण रूप से उनके जीवन में रूपांतरण आ गया। यही चमत्कार प्रभु यीशु करते हैं, एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले। देखिए, परमेश्वर पूरे परिवार में रूपांतरण करके उन्हें खुशियों से भर देते हैं। आज आपके भी जीवन में वही चमत्कार प्रभु करने वाले हैं, आपके लिए करने वाले हैं। वो आपको छुटकारा देंगे। आप कहिए, हे प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन का रूपांतरण कर दीजिए, मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूं, मुझे क्षमा करके छुटकारा दीजिए। ऐसे मन से आप प्रार्थना करोगे तो आज ही आपके जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु आज आपसे बात कर रहे हैं। दूसरी एक बात देखिए, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में वचन क्रमांक 40 से 42 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सुनिए, पवित्र शास्त्र में मरकुस अध्याय 1 40 से 42 तक मैं पढ़ूंगा। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया, ऐसे वचन में लिखा गया है। देखिए, एक बीमार व्यक्ति, कोढ़ रोग से ग्रस्त एक व्यक्ति था, वो यीशु को बुला रहा था, वो यीशु के पास आया था। आप उसके जीवन में देखिए, जब कोढ़ से ग्रस्त किसी व्यक्ति का रोग बढ़ जाता है, अगर इलाज नहीं किया जाए तो वो कोढ़ के कीटाणु उस पूरे शरीर को खा जाते हैं। वैसे लोगों की उंगली नहीं होती, नाक नहीं होता, कान नहीं होता, वो बीमारी उन्हें खा लेती है, तो उनके शरीर की कुछ भाग बिल्कुल पूरी तरह मिट चुके होंगे, पूरा चेहरा बदल गया होगा, आप आंखों की भौहें नहीं होंगी। मैं एक कुष्ठ रोग अस्पताल को गया था, हमारे गांव के पास एक कुष्ठ रोग का अस्पताल था। वहाँ के लोगों को हर साल क्रिसमस के मौके पर हम लोग नए कपड़े देकर खाना खिलाया करते थे।
तो उसी सिलसिले में मैं वहां पर गया हुआ था और भी दूसरे कुष्ठ रोग के अस्पताल में गया हूं मैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है, उनकी उंगलियां नहीं होती हैं, पांचों उंगलियां नहीं होती हैं। उस बीमारी के कारण वो उंगलियां गल जाती हैं। सिर्फ इतना भाग होता था, उससे वो खाना नहीं खा पाते थे, वो अपना खाना तक उठाकर नहीं खा पाते थे, तो उसके लिए यहां पर चम्मच लगाकर बांध दिया जाता था। यहां इस जगह पर मैंने देखा है, उसे डॉक्टर ने मुझे ले जाकर दिखाया था, उस चम्मच के सहारे वो खा पाते थे, उंगलियां भी नहीं होती थी। तो देखिए, उस कीटाणु के प्रभाव के कारण शरीर के अंग पूरी तरह गल जाते हैं, पूरा चेहरा बदल जाता है। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु ने उसे देखकर कहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तुरंत शुद्ध हो गया। उसका क्या मतलब हुआ? जो उंगलियां नहीं थी वो फिर से आ गई थी, बिल्कुल जो अंग नहीं था वो फिर से वहां पर आ गया, और उस बीमारी के कारण उसके कान गल गए होंगे, वो भी बिल्कुल नए हो गए थे, नाक नई बन गई होगी, भौहें नई बन गई होंगी, उसका पूरा चेहरा बिल्कुल नया बन चुका होगा, पूरी तरह बदल गया होगा, और उस बीमारी के कारण उसका चेहरा जो बहुत ही भयानक दिखता हुआ होगा, तब वो पूरी तरह बदल चुका था। एक बीमारी के कारण, उसके दुष्प्रभाव के कारण हमारा शरीर बदल जाता है, शरीर के कुछ अंग बदल जाते हैं, रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है उस प्रभाव के कारण। पर जब परमेश्वर उसे स्पर्श करके चंगाई देते हैं तो एक नवीनीकरण, हमारा पूरा शरीर नया बन जाता है, पूरा चेहरा नया बन जाता है। क्या आप ऐसी बीमारी से प्रभावित हो, किसी चर्म रोग द्वारा या कुष्ठ रोग द्वारा, चमड़े की बीमारी के कारण या कैंसर के रोग के कारण या अस्थमा की बीमारी, आर्थराइटिस, जानते हो ना आर्थराइटिस? यहां मत्ती अध्याय क्रमांक 9 में पहले 5 वचन अगर आप पढ़ते हो तो लकवे से ग्रस्त एक व्यक्ति को यीशु के पास लाया जाता है। लकवे का रोग मतलब हाथ पैर अकड़ जाते हैं, वो लकवे का रोग उन्हें बांध देता है, पैर मुड़ जाते हैं, पैर फैला नहीं पाते, बिस्तर पर पैर फैला कर सो नहीं पाते, अकड़ जाते हैं, उन्हें बांध कर लाया जाता है। ठीक उसी तरह यीशु के पास लाया गया, यीशु उन्हें चंगा करते हैं, उठ अपना बिस्तर ले और चल फिर, ऐसा कहते ही हड्डियां ठीक हो गई, हाथ स्वस्थ हो गए, पांव चंगे हो गए, बिल्कुल एक नया रूप मिल गया था उस समय उसे, अकड़े हुए हाथ और पैर बिल्कुल सीधे हो गए थे। आश्चर्यजनक बदलाव, नवीनीकरण, रूपांतर किया गया था, बीमारी से ग्रस्त उस शरीर का रूपांतरण कर दिया गया परमेश्वर ने। अब वो उठकर खड़ा हो पा रहा है, चल फिर पा रहा है, पर उससे पहले वैसा बिल्कुल नहीं था। प्रभु यीशु द्वारा किया गया बड़ा चमत्कार देखिए, मत्ती अध्याय 9 के 27वें वचन में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर दो अंधे थे, हे यीशु दाऊद की संतान हम पर कृपा करे, ऐसा वो बुला रहे हैं। वो दोनों बचपन से ही अंधे थे, बचपन से जो अंधे होते हैं ना, जब आप उनकी आंखों को देखोगे तो उनकी आंखें पूर्ण नहीं होती, देखा है आप लोगों ने? कुछ लोगों की आंखें पूर्ण होती हैं लेकिन वो देख नहीं पाते हैं, कुछ लोगों के तो काली आंखों की पुतली भी नहीं होती, सफेद भाग भी नहीं दिखता है, ऐसा लगेगा जैसे आंखें पूरी तरह अंदर जा चुकी हैं, आंखें ही नहीं होती हैं। पर जब यीशु चमत्कार करते हैं उस समय नई आंखों की सृष्टि होती है, रूपांतरण, वही तो यीशु का चमत्कार है, रूपांतरण। रूपांतरण करने वाले प्रभु, एक मां जी देखिए 40 सालों से भी ऊपर लकवे से ग्रस्त थी, धीरे धीरे देखिए उस बीमारी के कारण उनकी हालत ऐसी हो गई थी, एक छोटे से गिलास तक को वो इस तरह उठा नहीं पाती थी, उनकी उंगलियां अकड़ने के कारण दोनों हाथों से वो पानी पी सकती थी, हाथ अकड़ चुके थे, पैर भी अकड़ चुके थे, 40 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था। देखिए ऐसा था कि 40 साल वैसे एक बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उन्होंने पूरी आशा खो दी थी, उन्होंने सोचा 40 साल से ये स्थिति है, अब क्या होने वाला है। हमारे आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम देखने के बाद, देखिए उनमें एक विश्वास जागा, उन्होंने कहा कि यीशु चमत्कार करेंगे, छुटकारा देंगे, उनका विश्वास बढ़ गया और उस विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी, प्रभु यीशु आप मुझे चंगाई दीजिए, आप ही मेरे शरीर को नया बना सकते हो, मेरे लिए आप एक चमत्कार कर सकते हो, ऐसे विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। विश्वास के साथ की जाने वाली प्रार्थना का प्रभु सम्मान करते हैं, उसके आदेश स्वरूप परमेश्वर ने एक चमत्कार किया, जो उंगलियां ऐसी हालत में थी वो सीधी होने लग गई थी, वो बिल्कुल नई बन गई, उनके पैर नए बन गए, उन्हें कैसा लगा होगा देखिए,
अब वो अपने हाथों से कप उठा पा रहे थे। उससे पहले वो ऐसा नहीं कर पाते। परमेश्वर ने नया बना दिया था, उनका रूपांतरण कर दिया था। प्रभावित हुए शरीर के अंग को जब यीशु के सामर्थ्य ने स्पर्श किया, तब उसका पूर्ण रूप से रूपांतरण हो गया। तो देखा, यही यीशु का एक बड़ा चमत्कार था। और इसी तरह से एक चमत्कार आज आपके भी जीवन में भी जरूरी है। और यीशु वही चमत्कार आपके जीवन में करने के लिए आपके साथ बातें कर रहे हैं। मेरे बेटे, तू बुराई से प्रभावित हुआ है, तेरा शरीर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, मैं उसका रूपांतरण करने के लिए सामर्थ्य प्रभु हूं। ऐसे परमेश्वर आज आपसे बातें करते हैं। प्रभावित हुए शरीर के अलग अलग अंग आज वो बिल्कुल नए बना दिए जाएंगे। यीशु से संभव है। आप लोग मेरी गवाही जानते हो, है ना? 14 साल की उम्र में मेरा हार्ट, मेरा जो दिल है ना, वो एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया था। हार्ट एनलार्जमेंट हो गया था। मेरा हृदय बुरी तरह से प्रभावित हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो गया और अंत में बहुत ही सीरियस हो गया। दाहिने पैर से चल नहीं पाता था मैं, मुझे उठाकर ही अस्पताल ले जाया जाता था। कपड़े उतार कर सारे डॉक्टर चेक करते थे, कमीज उतार कर जब मैं चलता था तब मेरा हृदय सूजा हुआ था, उसे देख सकते थे। उतना बुरा प्रभाव हुआ था, ये पूरा शरीर प्रभावित हुआ था वो दिखता था। मेरा हृदय आश्चर्य होकर लोग देखते थे। तो देखिए, हृदय जो बुरी तरह प्रभावित हुआ था, उस बीमारी के कारण जो प्रभाव पड़ा था, वो कार्य मेरे जीवन में बड़ा दुष्प्रभाव लेकर आया। लेकिन जिस समय मैंने मौत का बिस्तर पकड़ लिया था, मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक पैर, दाहिना पैर काम नहीं करता था, और उसकी वजह से मैं चल नहीं पाता था, फिर नहीं पाता था, बस लेटा हुआ रहता था। फिर ये मेरा सीना सूज गया था, बहुत ही दुबला पतला हो गया था, मेरा पूरा रूप बदल गया था। बीमारी के कारण मेरा रूप बदल गया था, बात करने की भी बिल्कुल ताकत नहीं थी, मैं बहुत ही दुबला पतला हो गया था। जब मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आते हैं तो कहते थे कि इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, ओहो इसका तो बचना बहुत मुश्किल है, बस उतना ही, ऐसा ही कहते थे वो लोग। तो उस तरह से भरोसा खो देने वाली एक स्थिति थी। उस बीमारी के कारण मेरा पूर्ण रूप बदल गया था। लेकिन मेरी बीमारी के लिए एक भाई साहब ने जब मेरे लिए प्रार्थना की, तब प्रभु यीशु के हाथों ने मुझे स्पर्श किया। मैंने उनका स्पर्श महसूस किया। जैसे ही उन्होंने मुझे स्पर्श किया, एक आश्चर्यजनक बदलाव हुआ। मेरा सूजा हुआ दिल बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। जो ये सूजा हुआ भाग है वो अंदर चला गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था मैं। जो काम नहीं कर पा रहा था वो पैर काम करने लग गए थे। क्या आप सोच भी सकते हो कितना आश्चर्यजनक चमत्कार था ये? मैं तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, क्या ऐसा भी एक परमेश्वर है? भक्तिपूर्ण रूप से मैंने कितनी विनतियां की, मैंने प्रार्थना की, परिवार वालों ने यहां वहां जाकर मेरे लिए कितनी सारी प्रार्थनाएं की, और मैं तो प्रभु यीशु से नफरत करता था। यीशु तो विदेशी प्रभु है, हमारा उनका क्या लेना देना, ऐसे अपमान किया करता था। लेकिन उन्होंने आकर मुझे स्पर्श किया और मेरे शरीर को उन्होंने बिल्कुल नया बना दिया। सूजा हुआ दिल सामान्य हो गया, अपने पैरों से मैं चल पा रहा था। कुछ ही दिनों में बहुत बड़े बदलाव होने लग गए थे। मेरा दुबला पतला शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था, एक परिपूर्ण छुटकारा। और इसीलिए यीशु बदल देने वाले प्रभु हैं। आपके बच्चे बीमारी से प्रभावित होकर दुबले पतले हुए होंगे। आज आप जो प्रार्थना करने जा रहे हो, उससे प्रभु चमत्कार करेंगे। अपने बच्चों को नए रूप में, एक रूपांतरण हुए अपने बच्चों को आज आप पाने वाले हो। वो बीमारी दूर हो जाएगी, कमजोरी दूर हो जाएगी और चंगाई होगी। कुछ एक बीमारियां जब आती हैं तो उनका पूर्ण रूप बदल जाता है। कुछ लोगों को देखोगे तो आप कहोगे, अरे क्या हुआ, आपका रूप ऐसे कैसे हो गया? ये बीमारी है, अस्थमा है, कैंसर है, ऐसी एक बीमारी आ गई है, लकवे का रोग लगा है, बहुत ही बुरी हालत हो गई है, पूरा रूप बदल जाएगा। लेकिन जब यीशु आपको स्पर्श करेंगे, तब एक बिल्कुल नया शरीर आपको मिल जाएगा। आपके शरीर को प्रभु यीशु पूरी तरह नया बना देंगे, आपके लिए प्रभु करेंगे। आज ही परमेश्वर करेंगे, आज ही, बिल्कुल आज। अब कुछ ही समय में हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं विश्वास के साथ। हो सकता है आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी या आपके परिवार के, आपका कोई प्रियजन वैसे एक प्रभावित स्थिति में
पड़े हुए हैं और आप बहुत ही उदास हो, तो आज प्रभु यीशु आपके लिए जो चमत्कार करने वाले हैं वो आपको बदलने वाला है। उन सभी का जीवन बदलने वाला है। जब आपके अंदर बीमारी नहीं थी तब आपका शरीर जैसा था ठीक उसी तरह प्रभु रूपांतरण करेंगे। आप विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, आज ही विश्वास कीजिए। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। यीशु रूपांतरण करने वाले परमेश्वर है। तीसरा एक चमत्कार देखिए, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 5। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 5 वचन 1 से अगर आप पढ़ोगे तो यीशु गिरासेनियों के देश में आते हैं। वो एक स्थान है गलील समंदर के पास, आज भी आप देख सकते हो समंदर के एक भाग में गिरासेनियों का वो देश है, तो उसी के बारे में ये। वहां पर देखिए एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, बताइए क्या कोई कब्र में रहता भी है? वहां से जाने में भी डर लगता है, लेकिन उस व्यक्ति का निवास स्थान था वो कब्र, जहां पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, वहीं पर रहता था वो। अब वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, लिगियोन ऐसे वो अपना नाम बताता है। लिगियोन का मतलब होता है 6,000, 6,000 को दर्शाता है वो। रोमी सेना में देखिए 6,000 के एक गुट को लिगियोन का नाम दिया जाता था, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए इस व्यक्ति के अंदर हजारों दुष्ट आत्माओं ने वास किया था। लोग तो एक दुष्ट आत्मा को सहन नहीं कर पाते, 6,000 दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक व्यक्ति कैसा होगा? एक व्यक्ति में कई दुष्ट आत्मा होती है और ये बिल्कुल सच है, इसलिए तो उसके बारे में लिखा गया है। आज भी ऐसे लोगों को हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति के अंदर हजारों हजार आत्माएं वास करने लगी थी और उसका जीवन देखें कैसा था। वस्त्र नहीं थे उसके, कपड़े देते ही उसे फाड़ कर फेंक देता था, मतलब उसे इतना भी होश नहीं था कि वो निर्वस्त्र है। बहुत ही लज्जा की बात है, इसका होश नहीं था उसे, क्योंकि शैतान ने बुरी तरह से उसे जकड़ रखा था, इसीलिए वो होश में नहीं था। वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसे बिल्कुल होश नहीं था। तो उसके वस्त्र नहीं थे, दिन रात वो चिल्लाता रहता था, जोर जोर से चिल्लाता था वो। उसके हाथों में जो कुछ भी मिलता था उसे लेकर वो अपने शरीर को घायल करता था और उनमें से खून निकलते थे। इसके होते वहां से कोई गुजर नहीं सकता था, सब लोग बहुत ही डरते थे क्योंकि उसका स्वभाव वैसे बन चुका था। उसे बांधने के लिए जंजीरों से उसे बांध दिया गया, हाथों में जंजीरें बांधी गई, उसे भी उसने तोड़कर फेंक दिया। देखिए पवित्र वचन में है, उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उन सबका कोई असर नहीं होता था। जंजीर हो या किसी से भी उसे बांध दिया जाए उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था, उतने दुष्ट आत्माओं का उतना सामर्थ्य था। वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा के प्रभाव के तले था। तो जरा सोचिए, उसने वस्त्र नहीं पहने थे, बहुत ही बुरी अवस्था में था, न सर पर तेल मला था, नहाया नहीं था और उसने अपने शरीर को घायल किया हुआ था। उसके शरीर से खून निकलता था, हाथ उसके जंजीर से बांध दिए गए थे, लेकिन उसे भी उसने तोड़ दिया था। देखा आपने कैसे उसका पूरा रूप बदल चुका था। कुछ लोग कहते हैं ना, कैसे शैतान की तरह दिखता है, आप लोगों ने भी ऐसे सुना होगा। तो देखिए 6,000 दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था वो, कैसा रहा होगा आप सोचकर देखिए, उतना प्रभाव पड़ा था। तो अब यीशु उससे मिलने जाते हैं, प्रभु यीशु उससे मिलते हैं। दूर से ही यीशु को उसने देख लिया तो दुष्ट आत्मा चीखने लग गई, वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी, हे नासरी यीशु। वो दुष्ट आत्मा जानती थी कि यीशु कौन है। उस शैतान से प्रभु यीशु ने कहा कि इस व्यक्ति को छोड़कर जा। यीशु ने बस इतना ही कहा और काफी था, वो दुष्ट आत्मा चली गई, उस व्यक्ति को छोड़कर चली गई और उसने छुटकारा पा लिया। अब देखिए वचन क्रमांक 15 कहता है कि यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। तो देखा आपने, जब उसमें दुष्ट आत्मा थी तब भी लोग डर रहे थे और जब उसका दिमाग ठीक हो गया तब भी उससे डर रहे थे। अब इन लोगों को क्या कहें बताइए। जब वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, जंजीर तोड़ देता था, वो चीखता चिल्लाता था, तब तो डरते थे, लेकिन अब उसने कपड़े पहने थे और बड़े सचेत होकर बैठा था तो लिखा है कि लोग उसे देखकर डर गए कि ये क्या, ये इंसान ऐसा था आज ऐसा हो गया।
उसने देखिए कपड़े पहने हैं, बहुत ही शांत लग रहा है, बड़ा शांत बैठा है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा बदलाव कैसे आया है इसमें? यीशु, 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 यीशु नाम के चमत्कारी परमेश्वर, रूपांतरण करने वाले परमेश्वर है। देखा आपने? उस इंसान को सचेत हुआ देखकर भी लोग डरने लगे, ये कैसे हुआ? तो यीशु नाम के उस परमेश्वर ने ही इस व्यक्ति के जीवन का रूपांतरण कर दिया था। उसे नए कपड़े पहनाकर उसे अपने पास बिठा कर रखा। सब लोग उसे देखकर डरते थे, लेकिन अब उसे देखकर डरने की जरूरत नहीं, किसी पर अटैक नहीं करेगा। देखा आप लोगों ने कितना बड़ा बदलाव हुआ उसमें? प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया था। तो मेरे प्रियजनों, एक रूपांतरण के अनुभव में से लेकर चलने वाले हैं प्रभु यीशु। आज के आपके जीवन में वैसा एक दुष्प्रभाव पड़ा है क्या? आज आपके जीवन में उस तरह की कोई समस्या है? तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि 42 साल से उस भाई साहब की पत्नी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, 10 साल से उनकी बेटी ने मानसिक संतुलन खो दिया। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, वो जो करती या बोलती थी उनके समझ नहीं आता था, जो करती उन्हें समझ नहीं आता। ऐसी एक स्थिति से गुजरना पड़ा उन्हें, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। और दोनों कितने प्यार से बात कर रहे थे आज, उनके पति को कितनी खुशी हुई होगी 42 साल की समस्या से छुटकारा। कितने सालों से उनके परिवार में ये दुष्ट आत्मा संघर्ष कर रहा था, शैतान का आत्मा संघर्ष कर रहा था। बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत पैसे खर्च किए, जादू टोने भी करके देख लिए, कुछ नहीं हुआ। आज यीशु आपको ढूंढ कर आए हैं। जब यीशु छुटकारा देते हैं, वो छुटकारा बिल्कुल मुफ्त होता है। बस उतना ही, उन्होंने चमत्कार किया तो आपको छुटकारा, प्रभु आपको बिल्कुल मुफ्त में छुटकारा दे देंगे। तो देखिए, एक बार में सेवकाई के लिए गुजरात भाग में गया था, गुजरात में। वहां जो सेवकाई करने वाले सेवक थे उनकी मीटिंग थी, एक गांव की कलिसिया में वो मीटिंग थी। तो वहां पर एक पिता और उनके बेटे से मुझे मिलाया गया वहां के कुछ लोगों ने। अब जो आश्चर्यचकित करने वाला कार्य था वो ये था कि वो गांव एक छोटा सा गांव था, और उस गांव में सबकी अपनी खेती थी, वो खेती बाड़ी करते थे, कुछ कमी नहीं थी, अच्छा खासा जीवन था। अब उनमें से एक परिवार में माता पिता और युवा बेटा था, और एक दुष्ट आत्मा ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, अकेले में बात करता, अकेले में हंसता था, उठकर कहीं भी चला जाता था, नहाता नहीं था, अपनी साफ सफाई नहीं रखता था, क्योंकि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अब उसमें से एक और भयंकर कार्य ये था, उस गांव से थोड़ी दूरी में उसके साथ सटा हुआ एक जंगल था। दिन के समय में भी अकेले कोई उस जंगल में नहीं जाता था, और रात के समय तो उस ओर भी कोई नहीं जाता था, ऐसा भयानक जंगल था वो। लेकिन वो युवक जो दुष्टात्मा से ग्रस्त था, वो युवक जैसे ही सूरज ढलता था वो उठकर उस जंगल के अंदर चला जाता था। कोई उसे उस जंगल में जाने से रोक नहीं पाता था। उसके माता पिता इस कारण बहुत दुखी थे कि वो लड़का रोजाना चला जाता था। उसके अंदर जाने के बाद क्या वो जिंदा वापस बाहर भी लौटेगा? उसके साथ अंदर क्या हो रहा है वो कुछ भी नहीं जानते थे, पर सुबह सवेरे वो आ जाता था। और इस तरह कई दिन बीत चुके थे, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। वो दुष्ट आत्मा उसे उस जंगल में खींच कर ले जाती थी, अकेले में बात करते हुए चला जाता। तो माता पिता ने अपने उस युवक बेटे के छुटकारे के लिए कितना प्रयत्न किया होगा। लोगों ने कहा बस ये एक इसका नसीब है, जब आखिर में कुछ नहीं होता तो लोग ऐसा ही कहते हैं कि उसका नसीब, उसे कोई बदल नहीं पाएगा, वो होकर ही रहेगा, ऐसा कहकर लोग चुप हो जाते हैं। अब उस गांव में एक कलिसिया थी, परमेश्वर के लोग रविवार के दिन वहां पर आराधना करते थे, और उस कलिसिया में परमेश्वर के लोग एक साथ मिलकर बढ़िया रूप से आराधना करते थे। तो एक दिन वो युवक जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था वो उस ओर से गुजर रहा था, एक रविवार के दिन जब वहां पर आराधना हो रही थी, वहां पर रविवार की आराधना चल रही थी, लोग अंदर बैठे हुए थे और वो युवक अंदर नहीं गया, बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। तो पीछे की पंक्ति में बैठे हुए एक भाई साहब ने
उस युवक को देखकर कहा कि अंदर आकर बैठ जाओ। अब देखिए, उस युवक की हालत बहुत ही खराब दिख रही थी। उसने बस कमर में एक अंगोछा पहना हुआ था, ऊपर तो बिल्कुल कपड़े नहीं थे, सिर्फ कमर में अंगोछा बांधा था। उसे अंदर बुलाया उन्होंने और वो तुरंत अंदर आ गया। यहां बैठ जा, उसे कुर्सी दिखाई तो वो उस पर बैठ गया ऐसे। अब वो युवक वहां पर बैठा रहा आराधना के अंत होने तक। वो युवक बड़े आराम से वहां बैठा था, देख रहा था कि आराधना में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रभु का संदेश दिया गया और आखिर में आशीष की प्रार्थना हुई। तब तक तो वो अंदर ही बैठा था। ये सुनने में बड़ा ही आश्चर्य लग सकता है, पर वो अंदर बैठा हुआ था और वो सेवा खत्म हुई। सेवा के खत्म होते ही वो सीधे घर आ गया, नहाया, अपने बाल बनाए, सर पर तेल मला, अपने कपड़े निकाल कर पहने और फिर वो घर से निकला उसी कलिसिया की ओर। और जो कुछ वो कर रहा था उसके माता पिता देख रहे थे कि ये कैसे बदल गया। अचानक से आया, नहाया, तैयार हुआ, अब अपने कपड़े पहन लिए उसने और आईना देखकर अपने बाल बना रहा था, बदल गया ये। तो वो युवक निकलकर सीधे कलिसिया पहुंचा और उसके पीछे जब उसके पिताजी आकर देखने लगे तभी उनके समझ में आया कि प्रभु यीशु की उपस्थिति में जब वो युवक आया तो दुष्ट आत्मा भाग गई। प्रभु यीशु की उपस्थिति में आते ही दुष्ट आत्मा वहां नहीं टिक सकती। देखा आपने, तुरंत छुटकारा, चली गई वो दुष्ट आत्मा, भाग गई थी। उसके बाद उसका जीवन बदल गया, वो जंगल में नहीं जाता था और बिल्कुल नॉर्मल युवक बन चुका था वो। जिस दुष्ट आत्मा ने उस युवक के ऊपर हमला किया था उसका सामर्थ्य तोड़ दिया जा चुका था और उसे पूर्ण रूप से छुटकारा मिल गया था। यही प्रभु यीशु मसीह द्वारा किया गया चमत्कार है। 2000 साल पहले जिस यीशु ने चमत्कार किया था वो आज भी करते हैं। देखिए, मैं उस भाई साहब और उनके बेटे से मिला हूं। जब मैं वहां गया उन्होंने मुझे मिलाया। अब उस युवक के पिता ने यीशु पर बहुत विश्वास रखकर यीशु को थाम लिया उन्होंने। वो युवक भी बड़ी खुशी के साथ वहां के लोगों के बीच में प्रभु की सेवकाएं करता है। तो देखा, यीशु कितने अद्भुत प्रभु हैं, रूपांतरण करने वाले परमेश्वर हैं वो। आज आपके जीवन के किस भाग में रूपांतरण की जरूरत है उस क्षेत्र में निश्चय ही प्रभु चमत्कार करेंगे। आप लोग विश्वास के साथ इस कार्य में, इस क्षेत्र में प्रभु से मुझे चमत्कार की जरूरत है, हमारे परिवार में रूपांतरण का एक अनुभव हमें मिलना चाहिए, मेरे जीवन में ये होना है, परमेश्वर निश्चय ही मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो निश्चय ही एक आश्चर्यजनक छुटकारा आप पा सकते हो। तो वैसा एक छुटकारा हमें प्रदान करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी। पवित्र शास्त्र में हम लोग ये पढ़ सकते हैं, गुलगुता पर्वत के ऊपर वो कलवरी का क्रूस ढोकर गए और उस क्रूस पर उनके हाथ बांधकर उन पर कील ठोक दिए गए थे, पैरों पर कील ठोके गए थे, उनका लहू बहाया गया था। जब क्रूस पर वो ठोके गए तब उनके हाथ और पैरों पर से लगातार खून बह रहा था और जैसे जैसे खून बहता रहा उनका शरीर कमजोर होता गया, फिर उनके हृदय ने काम करना बंद कर दिया और फिर उनकी जान चली गई। एक स्वस्थ मनुष्य करीब करीब 11 घंटे उस क्रूस पर लटक कर फिर मर जाता था, पर यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर सिर्फ 6 घंटे रहे और वो बहुत ही एक स्वस्थ और डिलडॉल वाले 33 वर्ष के युवक थे। इसीलिए लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने जल्दी वो कैसे मर सकते हैं। और तभी उनके पंजर को भी भेद कर देखा गया और तब उनके हृदय की ओर से लहू बहने लगा, अपना आखिरी बूंद लहू तक उन्होंने क्रूस पर बहा दिया। मनुष्य बनकर लहू बहाने की प्रभु को क्या जरूरत थी। लहू के बहाए जाए बिना पाप से क्षमा नहीं मिलती, लहू का बहाना जरूरी था अगर पाप की क्षमा चाहिए तो। अगर मन के शुद्धिकरण की जरूरत है तो एक पवित्र लहू को प्रायश्चित के तौर पर बहाया जाना था। भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी या जानवरों का लहू बिल्कुल भी मनुष्य के पाप का प्रायश्चित नहीं बन सकता था, वो क्षमा प्रदान नहीं कर सकता था, उसे मनुष्य का लहू होना जरूरी था, पवित्र लहू का होना जरूरी था
और उसे मनुष्य के बदले में प्रायश्चित के तौर पर बलि किया जाना था। प्रभु के द्वारा ही उद्धार संभव था, पाप से क्षमा, छुटकारा और प्रायश्चित। इसीलिए परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ा और उन्होंने मानव रूप लेकर यीशु नाम से पवित्र जीवन जिया। उनके जीवन में किसी को भी कोई दाग नहीं मिला। कई झूठे इल्जाम तो उन पर लगाए गए, पर उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। ऐसा एक पवित्र जीवन जीकर अपने पवित्र लहू को क्रूस पर उन्होंने बहा दिया, सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें पाप से और श्राप से पूर्ण छुटकारा देने के लिए। क्रूस पर उन्होंने अपने आप को दे दिया और वही यीशु मसीह आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं, ये कहकर कि मेरे बच्चों, क्रूस पर मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, क्या मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं तुम्हें छुटकारा नहीं दे पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि क्या मेरे पाप क्षमा हो पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है कि वो सारे पाप क्षमा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पाप को धोकर हमें शुद्ध कर देता है, ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। तो जब वो लहू का सामर्थ्य आप में उतरता है, तब हर एक कार्य में एक छुटकारा और बदलाव आप महसूस कर सकते हो। तो इस समय और आज उसके कारण आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं कि आपकी बीमारियों को भी उन्होंने चंगा किया, आपके दुख और पीड़ाओं को भी उन्होंने क्रूस पर उठा लिया, ऐसा हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। हमारे लिए क्रूस पर वो शाप बन गए, तो हमारे शाप, पाप, बीमारी, वेदना, दुख, आंसू, सब कुछ उन्होंने क्रूस पर उठाकर खत्म कर दिया। इसीलिए सिर्फ वो ही हमारा रूपांतरण कर पाते हैं, वही हमारे जीवन का नवीनीकरण कर सकते हैं, एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। वही हमारे शांति, समाधान और वो भी दैविक शांति हमें प्रदान कर सकते हैं। वही यीशु आज आपके बिल्कुल पास में है, तो आप क्या कहना चाहोगे? हे प्रभु, हे यीशु, जो हमें उद्धार और क्षमा प्रदान करते हैं, वो मुझे चाहिए, मेरे मन में आ जाइए। ऐसे उन्हें स्वीकार करने के लिए अर्पण कर दीजिए, तब आप अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव आज ही देख पाओगे। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु से मांगिए, हे परमेश्वर, आप मेरा रूपांतरण कर दीजिए, ऐसी हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। तो चलिए प्रार्थना करें। जिनसे हो सके वो घुटनों पर आ जाइए प्रभु की उपस्थिति में, जिनसे हो सके वो घुटनों पर आ जाइए। ध्यान से हम हमारे कार्य प्रभु को बताकर आप प्रार्थना करने वाले हैं। जिनसे संभव हो सके वो घुटने टेक लीजिए प्रभु की उपस्थिति में। जो कहते हैं कि हम घुटने नहीं टेक पाते, हमसे संभव नहीं हो पाता, तो वो सारे लोग बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बहुत ही वेदना के साथ घुटने टेकने से तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप बैठ जाइए, पर आंखें बंद कीजिए और ध्यान से प्रार्थना करें एक मन होकर। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा ध्यान ना भटक सके, तो ध्यान को भटकने मत दीजिए। एक मन के साथ प्रभु यीशु की ओर हमें प्रार्थना करनी है, इसलिए आंखें बंद करने के लिए हम कहते हैं ठीक है, प्रार्थना के समय आंखें बंद कर लेंगे तो काफी होगा। एक एक विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहला, पाप के जीवन से एक छुटकारा पाकर रूपांतरण पाए हुए एक जीवन की तरह हमारा भी जीवन रहे, ऐसी इच्छा करने वालों के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं। मुझे पाप से क्षमा चाहिए, पाप से छुटकारा चाहिए। मैं दासत्व में हूं, इसलिए परिवार प्रभावित हुआ है, मैं बुरी तरह प्रभावित हूं। मेरा जीवन का रूपांतरण होना चाहिए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मेरे पापों को उठा लिया, ये मेरा विश्वास है। अगर ऐसा कहने वाले लोग हैं तो अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई है जो शराबी है या अन्य किसी पाप के अधीन है, तो आप प्रार्थना में उनकी सहायता कीजिए। पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, उनसे कहिए कि अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए, उन्हें प्रार्थना में उत्साहित कीजिए। आप उन पर हाथ रखकर कहिए, हे प्रभु, मेरे पति को छुटकारा दीजिए, मेरे बेटे को या मेरी बेटी को छुटकारा दीजिए, उनके जीवन में एक परिपूर्ण छुटकारा प्रदान करके रूपांतरण के अनुभव में चलाइए, ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हो। अपने हृदय पर हाथ रखकर आप प्रार्थना कीजिए। जो अपने अपराध छुपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, पर जो उसे मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। इसीलिए अपने पाप को मान लीजिए, हे यीशु, मैं इस पाप में फंसा हूं और मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा,
ये परिवार प्रभावित हुआ है, इस पाप के कारण पूरा परिवार प्रभावित हुआ है और वेदना में पड़े हैं। मेरे जीवन का रूपांतरण कर दीजिए, मेरे जीवन को नया बना दीजिए परमेश्वर, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, छुटकारा दीजिए। हे यीशु मेरी सहायता कीजिए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। हे युवा भाई प्रार्थना कर, हे युवा बहन प्रार्थना कर, बिना शांति के, बिना समाधान के कब तक आप लोग जीवन जियोगे? आज ही आपकी शांति पा लेने का समय है, प्रभु यीशु मसीह से छुटकारे को पा लेने का समय है ये। हे प्रभु यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये पाप मुझे प्रभावित करता है, मेरे परिवार की शांति को चुरा लेता है ये पाप, छुटकारा दीजिए, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु मुझे नया हृदय प्रदान करें, आप रूपांतरण करने वाले परमेश्वर हो, ये मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मेरे जीवन का रूपांतरण कर दीजिए। प्रार्थना कीजिए, हे युवा भाई प्रार्थना करो, हे युवा बहन प्रार्थना करो, पिताजी और माँ जी आप लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में दुनिया भर से कई लाख लोग आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु का नाम लेकर आप प्रार्थना करते हो, प्रभु का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है, प्रभु की शक्ति छुटकारा देने वाला ये सामर्थ्य, रूपांतरण का वो सामर्थ्य इस समय आप पर यीशु के नाम में उतर रहा है। प्रभु छुटकारा दीजिए, नया हृदय दीजिए, जो कोई आंसू बहा कर रो रहा है उसे इस समय आप स्पर्श कीजिए। प्रभु इस बेटी को देखिए, इस बेटे को देखिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, शराब नहीं चाहिए, नशीली चीजें नहीं चाहिए, आंखों की अभिलाषा नहीं चाहिए, प्रलोभन नहीं चाहिए, मेरे जीवन से ये गलत कार्य दूर हो जाए, प्रभु आप मुझे छुटकारा दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, ऐसी ये प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु आपका लहू उन्हें धोकर शुद्ध करने दीजिए, आपके रूपांतरण का सामर्थ्य उन्हें स्पर्श करें, उन्हें क्षमा करके छुटकारा देकर उन्हें शांति प्रदान कीजिए, एक नया हृदय दीजिए प्रभु, उन्हें आप स्पर्श कीजिए, आपने स्पर्श करके छुटकारा दे रहे हो, चमत्कार कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपने स्पर्श किया है, छुटकारा दिया है, प्रभु उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप सभी बोलिए, प्रभु यीशु मेरे मन में आ जाइए, हे प्रभु अपने लहू से मुझे धो दीजिए, हे प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए। जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो आपको छुटकारा और चमत्कार मिल रहा है, प्रभु के छुटकारे के लिए कहिए, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, मेरे मन में आइए यीशु, मुझे शांति दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले हर एक के अंदर प्रभु की शांति उतर रही है, प्रभु की उपस्थिति उतर रही है, उसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद। आगे प्रार्थना करते समय बीमारियों से छुटकारा और चंगाई मिलेगी, बीमारी के कारण आपका रूप बदल गया होगा, प्रभु यीशु एक नया कार्य करने जा रहे हैं, एक रूपांतरण वाला शरीर प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वो। क्या आप बीमारी के स्थान पर हाथ रखे हो? आंखों की समस्या है तो आंखों पर हाथ रखिए, मेरे कान में समस्या है, कान को प्रभु यीशु स्पर्श करें, हृदय में समस्या है, प्रभु आप मेरे हृदय को स्पर्श करें, लंग्स में, लीवर में, किडनी में, गर्भ में, हड्डियों में और नसों में, जहां कहीं पर दर्द है वहां पर हाथ रख लीजिए, जहां पर दुष्प्रभाव है वहां पर हाथ रख लीजिए, अपना दाहिना हाथ रख लीजिए। हे प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, रूपांतरण कीजिए, मेरा रूपांतरण कीजिए, मेरे मन में नवीनीकरण हो जाए, पुरानी सभी चीजें दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए। कई लोग बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, ये मौत लाने वाली बीमारी मुझे बहुत वेदना पहुंचा रही है, क्या इसमें से मैं छुटकारा पा सकता हूँ? क्या इस बीमारी से मुझे चंगाई मिलेगी? डॉक्टर भी हड़बड़ा गए हैं, ऐसी वेदना के साथ आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु यीशु आपके आंसू देख रहे हैं, आपकी वेदना देख रहे हैं, हे प्रभु यीशु आप स्पर्श कीजिए और चंगाई दीजिए, ऐसी आप लोग प्रार्थना कीजिए। अभी प्रभु आपको स्पर्श करके चंगाई दे रहे हैं, हे प्रभु सर से पांव तक चंगाई का सामर्थ्य इन लोगों पर उतर आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु कलवरी के क्रूस पर आपने बीमारी उठा ली, आपने बहुत दुख उठाए, आपने अपना रंग रूप खो दिया, आप क्रूस पर प्रायश्चित बन गए थे, उसे याद कीजिए, आपके लोगों को आप छुटकारा दीजिए प्रभु, बीमारी की तीव्रता से उन्हें छुटकारा देकर उन्हें आशीष दीजिए।
क्रूस पर जो आपने जान दी उसे याद कीजिए। अभी अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें आप स्पर्श कीजिए। इस बेटी को स्पर्श कीजिए। इस बेटे को भी कैंसर की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। सारे कैंसर के गांठ गल जाए, अदृश्य हो जाए, निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। अस्थमा की बीमारी इसी समय दूर हो जाए। हे प्रभु, आर्थराइटिस नामक लकवे का वो रोग यीशु के नाम में दूर हो जाए। हड्डियों में और नसों में पूर्ण छुटकारा हो जाए। मौत के बिस्तर में पड़े हुए जो लोग उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, उन्हें आप स्पर्श कीजिए। उस भाई को और उस बहन को स्पर्श कीजिए, ये बीमारी दूर हो जाए। हे प्रभु, रूपांतरण का सामर्थ्य इन लोगों पर छा जाने दीजिए। कमजोरियां दूर हो जाए, बीमारियों की वेदना दूर हो जाए। अस्पताल में बैठकर ये आंसू बहाकर रो रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, इनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए, छुटकारा दीजिए, मौत की स्थिति बदल जाने दीजिए, बीमारी की स्थिति बदल जाए, अद्भुत चंगाई हो जाए। प्रभु, आप स्पर्श कर रहे हो इसके लिए आपका धन्यवाद। आप इन्हें स्पर्श करके छुटकारा दे रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। सभी अपने दाहिने हाथ उठाकर कहेंगे, हे प्रभु, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, छुटकारे के लिए धन्यवाद, आपके चमत्कार के लिए धन्यवाद प्रभु। बोलिए, हे प्रभु, दिल की गहराई से आपकी स्तुति हो। अब हमारी दूसरी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं गर्भ का आशीष। जिनका बच्चा नहीं है वो अपने पेट पर हाथ रख लीजिए। पति पत्नी अपने हाथ मिला लीजिए। अपनी बेटी या बहू जिनको संतान चाहिए उन पर हाथ रख लीजिए। हे प्रभु, इन्हें संतान प्रदान कीजिए। संतान प्रदान करें, रुकावट दूर हो जाए, आशीष उत्पन्न हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। सारी रुकावटें दूर हो जाए। गर्भ के आशीष में रुकावट उत्पन्न करने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूँ। दुष्ट सर्प की आत्मा, तंत्र मंत्र और जादू टोने की क्रियाएं नाश हो जाएं। संतान प्राप्ति के विरुद्ध जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं हो रही हैं वो नाश हो जाएं। जादू टोने का सामर्थ्य नाश हो जाए, आशीष उत्पन्न हो जाए। स्पर्श कीजिए, दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य दूर हो रहा है। गर्भ में प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है और छुटकारा मिलने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आप इन्हें संतान देकर आशीष दीजिए प्रभु। गर्भ में जो बच्चा है उस पर कोई बुरा प्रभाव है, ऐसे आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाली उस बेटी को देखिए। अपने गर्भ में उस बच्चों के लिए उस पर हाथ रखकर वो बेटी रो रही है, आंसू से भरी उस प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। उस बच्चे पर प्रभाव पड़ा है, कह रहे हैं कि उस बच्चे को अबॉर्शन करना पड़ेगा, तो वो लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। अभी वो बच्चा पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, उस बच्चे के प्रभावित अंग नए अंग में बदल जाए, रूपांतरण हो जाने दीजिए। बिल्कुल चंगा, स्वस्थ और आशीष से भरा एक बच्चा उस बेटी को प्रदान कीजिए। उसके आंसू के साथ प्रार्थना के अनुसार आप कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बीमार बच्चों को हाथ में लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों के मानसिक संतुलन बिगड़ चुके हैं, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, उन्हें स्पर्श कीजिए परमेश्वर, स्पर्श कीजिए। उन बच्चों का रूपांतरण होने दीजिए, उन बच्चों पर एक बड़ा बदलाव हो जाए, फिट्स की बीमारी बदल जाए, फिट्स और दमे को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, फिट्स की बीमारी पूरी तरह से दूर हो जाए, गायब हो जाए। हड्डियों को स्पर्श कीजिए, नसों को, टिश्यूज को स्पर्श कीजिए, रूपांतरण हो जाने दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। बच्चे चंगे हो जाए, आप छुटकारा दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। माता पिता के आंसुओं का जवाब दे रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद हो। अद्भुत चंगाई देने के लिए आपका धन्यवाद। बदलाव हो जाए, पूर्ण बदलाव। आपने जो चंगाई दी है, छुटकारा दिया है उसके लिए धन्यवाद। जो बच्चे नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें नौकरी प्रदान कीजिए प्रभु। कर्ज की समस्या से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों को छुटकारा देकर उन्हें आशीष प्रदान कीजिए परमेश्वर। और भी प्रभु, जो लोग बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके कारोबार को आशीष दीजिए। परिवार में शांति, पति पत्नी के बीच में समाधान, माता पिता और बच्चों के बीच में शांति। पारिवारिक आशीष के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके परिवार में शांति उत्पन्न हो जाए, उनके जीवन में भलाई उत्पन्न हो। जिस कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसमें चमत्कार हो जाए परमेश्वर। आत्मिक सामर्थ्य हो, कृपा चाहिए, थकावट दूर हो जाए। प्रार्थना के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों को आत्मिक आशीष प्रदान करें, प्रार्थना का अभिषेक दीजिए। आपके सामर्थ्य के स्पर्श के लिए धन्यवाद, आपका आशीष के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि हमने पा लिया है। सभी हाथ उठाकर कहेंगे, प्रभु आपने स्पर्श किया उसके लिए धन्यवाद, छुटकारा दे दिया है उसके लिए धन्यवाद, मन की गहराई से आपका धन्यवाद।
आपको धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, आपने चमत्कार किया है। कई लोगों के घर में मौत का बंधन टूट रहा है, मौत की स्थिति यीशु के नाम में बदल रही है। वो मौत की स्थिति बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो लोग उठकर चलने फिरने लग जाए, मौत की क्रिया लाने वाली दुष्ट आत्मा नाश हो जाए, अद्भुत चंगाई हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। मौत का सामर्थ्य टूट चुका है और पूर्ण छुटकारा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। अच्छे पिता, आमेन, आमेन। बैठ जाएंगे। परमेश्वर ने चमत्कार किया है, परमेश्वर के सामर्थ्य ने आपको स्पर्श किया है, कई लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, उसके लिए मन की गहराई से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। कई लोगों को छुटकारा और चंगाई प्राप्त हुई है। आज कई सारे लोगों ने पाप से मुक्ति के लिए अपने आप को अर्पण किया है। प्रभु के लहू के सामर्थ्य ने आपको पाप के सामर्थ्य से छुटकारा दिया है। अब आप परमेश्वर की संतान हो। जब आपने यीशु को स्वीकार किया तब क्या होता है, उसकी जानकारी के लिए एक पुस्तिका है, अब आप परमेश्वर की संतान हो। तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा में कई भाषाओं में उपलब्ध है, या पा सकते हो। ये पुस्तिका निःशुल्क आपको भेज दी जाएगी। एक छोटी सी पुस्तक है, तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, इन 5 भाषाओं में उपलब्ध है। ये स्क्रीन पर दिखने वाले फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कीजिए या फिर दिखाए गए ईमेल पर संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप कहते हो कि अब आप परमेश्वर की संतान हो, ये पुस्तिका चाहिए, तो जिस भाषा में आपको ये चाहिए उसके बारे में बताओगे तो निःशुल्क आपको भेज दिया जाएगा। तो आपके साथ इस समय क्या हुआ और प्रभु को अधिक जानने में वो पुस्तिका आपके लिए मददगार होगी। आप में से कई लोगों को आज पूर्ण छुटकारा मिला है। आपने जो चंगाई, भलाई और छुटकारा पाया है, उस चमत्कार को हमें बताइए तो हम भी प्रभु को धन्यवाद देंगे। और उतना ही नहीं, अपनी गवाहियों को आप लिखकर भेज सकते हो। अगर कुछ गवाहियां जो वीडियो बनाने के लिए सही रहेंगी तो आपसे जुड़कर हमारी टीम आपके घर पहुंचेगी और आपकी गवाही, आपके अनुभव को वो लोग रिकॉर्ड करेंगे, जिसके द्वारा लाखों लाख लोग आशीष पाए। स्क्रीन पर दिखाए गए इस ईमेल आईडी पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी गवाही भेज सकते हो। ईमेल है goodnews@jesusredeems.org। व्हाट्सएप नंबर भी आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसे लिख लीजिए। इन दोनों संपर्क करने के माध्यमों को आप लिख लीजिए। तुरंत संपर्क करके बताइए कि ये चमत्कार हुआ, मुझे छुटकारा मिला है। कई लोगों ने छुटकारा पाया है। जो बिस्तर पर हैं वो उठकर चलने फिरने लग जाएंगे। आपका शरीर में पूर्ण छुटकारा हो चुका है। मौत का बंधन टूट चुका है। मौत का संघर्ष, मर जाने जैसी एक स्थिति, अब डर दूर हो चुका है और शरीर में छुटकारा, हड्डियों में, नसों में बदलाव है। आप उठकर चलने फिरने लग जाइए। प्रभु का नाम लेकर आप धन्यवाद दीजिए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद कहिए। चलने फिरने लगिए और अपना काम कीजिए। आज के बाद अपने शरीर में आप एक अद्भुत चंगाई का अनुभव करोगे। अपने बच्चों के लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना की। जिन बच्चों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनके लिए, ऐसे एबनॉर्मल बच्चों के लिए आप लोगों ने प्रार्थना की, तो आज से बदलाव देख पाओगे। परमेश्वर ने स्पर्श किया है, आप उस बदलाव को देख पाओगे। कुछ लोगों को तुरंत छुटकारा मिल गया होगा, कुछ लोगों का छुटकारा धीरे धीरे दिखेगा, धीरे धीरे वो बदलाव प्रकट होगा। जैसे जैसे आप प्रार्थना करोगे तो वो बदलाव आप देख पाओगे। प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम करके आपको छुटकारा दिया है। यीशु छुड़ाता है नामक पत्रिका का हर महीने वितरण होता है। इसमें हर एक महीने विशेष संदेश होता है। यह आपको बल प्रदान करेगा, आपके विश्वास को ये स्थिर कर देगा। और उतना ही नहीं, इनमें गवाही है। यीशु द्वारा चंगाई और छुटकारा पाने वाले कई लोगों के गवाही इसमें होंगे, जिसके द्वारा आपका विश्वास बल पाएगा और आपको आशीष मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है इनमें, उन संदेशों को आप पढ़ सकते हो। ये पत्रिका कई भाषाओं में छपती है, तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नाड़ा, मलयालम और साथ ही श्रीलंका के सिंहलीज भाषा में भी छपती है। अगर आपको ये पत्रिका चाहिए तो हम निःशुल्क आपको इसे भेजेंगे। इसे पाने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देखने वाले व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो या फिर वेबसाइट पर जाकर भी आप इस पत्रिका को पढ़ सकते हो। ईमेल के द्वारा भी आप अपना संपूर्ण पता हमें बताकर और
जिस भाषा में आपको ये चाहिए उसकी जानकारी देकर इस पत्रिका को पा सकते हो। आपकी भाषाओं में हम वो पत्रिका आपको भेज देंगे। उसे पाकर, उसे पढ़कर आप आशीष पा सकते हो। परमेश्वर के हाथ आपके संग रहकर आपको आशीष प्रदान करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इसे समाप्त करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमेन, आमेन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 044-35-45-45-45. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.